नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा इस लाइव कॉन्फ्रेंस में, दोस्तों ये फेसबुक पे जो तमाम लोग जुड़े हैं दोस्तों उन सभी का, और जूम पर जो हमारे पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं पूरी मुंबई से और महाराष्ट्र से, जो अपने अपने विषय में पारंगत हासिल किए एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों का स्वागत करते हुए दोस्तों मैं सबसे पहले आज इस कॉन्फ्रेंस में, जैसा हम दोस्तों हर दिन फेसबुक पे आप तमाम हमारे जो सीए रमेश प्रभु के चाहने वाले, सुनील शर्मा के जो फ्रेंड्स हैं, तमाम देखते हैं किस तरह से हम पिछले 28 मार्च से लाइव इस तरह से करके लोगों में एक मदद और जागरूकता का अभियान छेड़े हुए हैं। तमाम मैं ज्यादा ज्यादा जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं दोस्तों, जैसे हमने कल शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी, आज हम इस कॉन्फ्रेंस की जो परंपरा है प्रार्थना के साथ में उन तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं देश भर में और दुनिया भर में दोस्तों, जो डॉक्टर्स, नर्स, सिस्टर्स और जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, उनको प्रभु ताकत दे, और तमाम जो लाखों लोग हैं दोस्तों कोविड 19 के पेशेंट मरीज, उनको प्रभु ठीक करे, इस तरह से उनसे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी से रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे जो जुड़े लोग हैं तमाम उनसे रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेट जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इस तरह से प्रार्थना करें, छोटी सी प्रार्थना मन ही मन में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, सभी सुखी होवे, सभी निरोगी होवे, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें और किसी के भाग में दुख नहीं आवे, कोविड 19 जैसी महामारी नहीं आवे, इस तरह की प्रार्थना उस भगवान से, उस खुदा से, उस यीशु मसीह से, उस वाहे गुरु से, तमाम अलमाइटी से कर रहे हैं हम तमाम पार्टिसिपेट जितने लोग हैं दोस्तों, हमारे एमएनएस और महासेवा के, जितने महासेवा के तमाम कर रहे हैं और डेली करते हैं दोस्तों, और उसका असर भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं आंकड़े कम होते जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं तमाम कोविड 19 में जितने कोरोना वायरस है, हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के जो मुखिया उद्धव ठाकरे जी, उनको ताकत दे प्रभु, और जितने प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं उनको ताकत दे, इस तरह की प्रार्थना के साथ दोस्तों मैं यही कहूंगा। और मैं आपको ब्रीफ बता दूं, छोटा सा जानकारी दे दूं, महासेवा, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस, मीडिया का काम भी है कि ऐसे संकट के समय में आप मदद करें, जागरूक करें लोगों को, आप दूसरी नकारात्मक चीजों की अपेक्षा यदि सोसाइटी को, समाज को जागरूक करेंगे, तो संकल्प लिया एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस ने महासेवा के नाम, महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन एक बड़ा एनजीओ जो महाराष्ट्र भर में अवेयर करता है हाउसिंग सोसाइटी में तमाम उन लोगों को। तो दोस्तों हमारे जो चेयरमैन है प्रधान सेवक रमेश प्रभु जी के नेतृत्व में हमने प्रण लिया है सभी महासेवकों ने कि हम तीन तरह से इस संकल्प मदद और जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं दोस्तों। मैं बता दूं आप, पहला अभियान हमारा ये महासेवा का कि ज्यादा से ज्यादा हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी, हमारी 60,000 हाउसिंग सोसाइटी मेंबर है, उन तमाम को आह्वान कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। औरंगाबाद के जेसी फ्रांसिस से उन्होंने बीड और तमाम हाउसिंग सोसाइटी से करीबन 2 लाख से ऊपर उन्होंने अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी 10,000 11,000 इस तरह का डिटेल भेज रहे हैं, महासेवा के आह्वान को माना उन्होंने और सब डाटा रोज पहुंचाते हैं वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, डोनेट कितना लोगों ने कितने किया, पीएम केयर में कितना किया, इस तरह के विनोद प्रभु हैं हमारे दहिसर महासेवा के महासेवक, उन्होंने काफी 2-2.5 लाख के ऊपर दोस्तों इकट्ठा किया है, और इसमें कुछ मिलिट्री आर्मी ऑफिसर से जो सेक्रेटरी है सोसाइटी को, सीनियर सिटीजन, उनका जज्बा देखिए 51,000 का उन्होंने चेक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है। तो इस तरह से एक मदद के जो सेना के लोग हैं वो भी इसमें आगे आ रहे हैं दोस्तों, एक बड़ी बात है, आह्वान हमारा माना। तो पहला तो हम दोस्तों, जैसा कि हमारे जो वसई विरार के एक बेल विचर है विश्वनाथन जी के महासेवा के, उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया दोस्तों, 1 करोड़ रुपया पीएम केयर में डोनेट कर चुके हैं और महासेवा के आह्वान पर 1 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने को कहा है। तो इस तरह से हम, और कहते हैं ना चैरिटी फ्रॉम होम, घर से ही चैरिटी शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की और 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद ही हमने 28 मार्च को हमारे जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी और तमाम जो महासेवक हमारे, उन लोगों ने ऑनलाइन के जरिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया है, और 1 लाख रुपए का डोनेशन चेयरमैन रमेश प्रभु जी ने दिया अपने इंडिविजुअल, और तमाम जो महासेवक है उन्होंने अपने अपने लेवल पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में ऑनलाइन पेमेंट किया है।
और ये एक बड़ा संकट है दोस्तों, और इस संकट को हम टालने के लिए, उसको आगे मजबूती खड़े रहने के लिए, फाइट देने के लिए दोस्तों यही हो सकता है कि हम इस संकट में इन लोगों का मदद करें, अपने लेवल पर जो मदद हो सके, जैसे हम जहां पे भी हैं उन लोगों की मदद करें। जैसे जो आज दिहाड़ी कामगार वगैरह बाहर आ रहे थे उनकी मदद सरकार ने की, और आज वो कहीं ना कहीं मेडिकल चेकअप करवा के जा रहे, थोड़ा तकलीफ है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी दोस्तों देख सकते हैं। मेरा अनुमान नहीं, सरकार का डाटा है कि जो माइग्रेट लेबर से वो करीबन करीबन 4 करोड़ की संख्या दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में, और उनको भेजना सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन सरकार इसमें लगी हुई है। आप अपने लेवल पर इन लोगों का मेडिकल टेस्टिंग सर्टिफिकेट वगैरह कैसे फ्री ऑफ चार्ज करवा सके, इनको कैसे घर पे पहुंचा सके, इसमें सभी राज्य सरकार लगी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगे हुए हैं, तो इसमें कैसे आप मदद कर सकते हैं। हमारे तमाम हम ऐसे एनजीओ लोगों को लेते हैं जो फ्री मेडिकल सर्टिफिकेट कल हमने लिया था बोरीवली में, गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में एक डॉक्टर थे जो हजारों लेबर्स को फ्री मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे दोस्तों। इस तरह का अच्छा काम भी हो रहा है, कहीं ना कहीं अव्यवस्था भी है, लेकिन ये जो संकट है, अदृश्य संकट है, इसमें कुछ अव्यवस्था होती है, तो उसमें हमें समझदारी से मिलकर सामना करना चाहिए, हल निकालना चाहिए, ना कि उसकी आलोचना करते हुए इस संकट को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों किस तरह से हमारा मनोबल आगे बढ़ रहा है, जैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में हमारा जो जागरूकता का अभियान है दोस्तों, दूसरा हमने दोस्तों ये जो हाउसिंग सोसाइटी तमाम जो फेडरेशन है, पूना हाउसिंग फेडरेशन, सुहास पटवर्धन जिसके अध्यक्ष हैं, कोल्हापुर सोलापुर तमाम जो औरंगाबाद हाउसिंग फेडरेशन है, पूना के जो हाउसिंग फेडरेशन है सीताराम राणे जी अध्यक्ष हैं, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं प्रकाश दरेकर और एडवोकेट डीएस वडेर, इन तमाम लोगों को दोस्तों हमने इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ा है, जो जैसे मिनिस्टर खुद आए, बाला साहब पाटिल है, और तमाम ऐसे जो लोकमत के साथ में मिलकर हमने किया, तमाम जैसे देवेंद्र फडणवीस भी खुद ऐसी कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने भी अपना मनोगत व्यक्त किया है और सपोर्ट करने की आश्वासन दिया है। खुद हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उन्होंने सीनियर मिनिस्टर श्री सुभाष देसाई को पहुंचाकर फार्म टू होम के, तो इसके किसानों से सीधा कंज्यूमर उपभोक्ता तक सामान पहुंचे, ऐसे कॉन्सेप्ट की उन्होंने शुरुआत की और शुभकामना दी और सपोर्ट करने का आह्वान दिया। तो इस तरह से हमने दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉकडाउन का पालन करके, हमारे जो महासेवक हैं उन्होंने फ्रंट पे तो किया कुछ लोगों ने, लेकिन हम लोग जैसे प्रभु सर और हम लोग ऐसे तमाम जो महासेवक हैं घर पे रहकर एक लाखों लोगों की चेन बनाने की एक कोशिश की दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश। इस कोशिश में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं एज ए वॉलंटियर दोस्तों, वॉलंटियर आप महासेवक बनकर इस तरह की कॉन्फ्रेंस में, और सबसे बड़ा हम काम कर रहे हैं दोस्तों अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स, जो असंगठित घरेलू कामगार है, आपके घरों में जो मेड है, बाई है, तमाम जो ड्राइवर्स वगैरह है, सिक्योरिटी गार्ड है, उन लोगों का क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल उठता है उन लोगों का क्या होगा। उन लोगों के लिए सरकार ने अभी ये समय में पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम, उसके तहत प्रीमियम माफ किए, प्रीमियम नहीं लेंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा डाटा देंगे तो सरकार हो सकती है, जैसे दिहाड़ी लेबर्स के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया, क्रेडिट किया, हो सकता है उन लोगों के लिए भी राहत दे। सरकार अभी डाटा मांग रही है, आप ज्यादा से ज्यादा डाटा दे, और तमाम हमारे जो महासेवक और हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं डाटा दे रहे हैं ऐसे अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर का दोस्तों। तो एक ये हमारी पहल है, इस तरह से हम ऑनलाइन कोर्सेज करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि इस संकट के समय में दोस्तों, जो कोविड-19 के बाद, जैसे आज हमारा विषय है, तो कोविड-19 के बाद बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, बड़ा सुस्त होगा रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर दोस्तों, उसको कैसे निपटने के लिए, उसको सामना करने के लिए, चुनौती जो अर्थव्यवस्था की उसका सामना करने के लिए हम छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं दोस्तों, सेल्फ रिडेवलपमेंट, डीम कन्वेंस और तमाम इस तरह से हाउसिंग सोसाइटी में ट्रेनिंग वगैरह देने के, जो एकदम मिनिमम शुल्क के बिहाफ पे है दोस्तों। यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50% आपको रिलीफ मिलेगा, यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा इस तरह का, और हमारे जो वॉलंटियर जुड़ेंगे तो आपको 20% रिलीफ मिलेगा, मतलब बचा कितना 50% और 70% 30% आपको देना दोस्तों, कितना एक आपके लिए स्वर्ण अवसर है, आपको स्वर्णिम संधि है ये कि आप ऐसे घर बैठे एक दिन का 15 दिन का जो कोर्सेस है ऑनलाइन कोर्सेस वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बाद में अनाउंस करूंगा, आप विशाल हमारे जो सहयोगी विशाल बामने या महासेवा की जो साइट है दोस्तों उस पे जो नंबर है उस पे संपर्क करके आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स जान सकते हैं। हमारे रमेश प्रभु जी फैकल्टी ऑफ तमाम कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट है, जो रिटायर्ड DDR से तमाम लोग जो हैं CA वगैरह ये सब इसमें फैकल्टी थे, इनके द्वारा ये ऑनलाइन कोर्सेज दिए जा रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको बकायदा ई पेपर और ई लिटरेचर्स वगैरह मिलेंगे,
बुक्स वगैरह मिलेगी। हमारी यदि जितनी बुक्स हैं, तमाम जो सुभाष लाला जी ने लिखी है, रमेश प्रभु जी ने, तमाम हमारे जो महासेवा की जो इंफॉर्मेटिव और एजुकेट बुक है, उन बुक्स पर आप 50% रिलीफ पा सकते हैं यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में डोनेट करते हैं। दोस्तों इस पहल में दोस्तों हमारे साथ कुछ महासेवक जुड़ रहे हैं, वो महासेवक का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप ऐसे संकट के समय में इस समझ और विवेक से आप हमारे साथ आए हैं। तो ये जो मेहनत है, ये जो है मेहनत रंग लाएगी, और ये जो हम आज पसीना बहा रहे अपने अपने घर में, गर्मी का मौसम है जैसा, तो ये पसीना भी एक दिन रंग लाएगा दोस्तों, एक बड़ी चेन साबित होगी। दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुकुंद गोडबोले जी जो हमारे आज के वो हैं और हमारे जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी और तमाम इन सभी का उत्साह वर्धन करते हुए दोस्तों एक ही लाइन कहूंगा, जो आज इस संकट के समय में हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत रखना है, साहस रखना है, साथ में COVID-19 की फाइट को लड़ना है। दोस्तों प्रसिद्ध शायर शकील आजमी की लाइन है, उनके अल्फाज है, उनके वर्ड है, शब्द है, आवाज मेरी है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और आप और हमने महासेवा MNS और तमाम जितने पार्टिसिपेट जुड़े लोगों ने ठान लिया है कि COVID-19 को अच्छे से फाइट देना है और भागेगा कोरोना और जीतेगा भारत, इस तरह की अपील करते हुए मैं हमारे जो चेयरमैन है सर CA रमेश प्रभु जी प्रधान सेवक, उनको इन्वाइट करूंगा कि वेलकम करें तमाम लोगों का जो फेसबुक पे लोग जुड़े। प्रभु सर मैं बताता हूँ, कल भी जो कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम वेलविश शुभकामना मिल रही है आपकी इस पहल को, अच्छी शुभकामना मिल रही है, अच्छी पहल है आपकी इस तरह की, हमारी जो पहल है, हमने कल NGO वगैरह को लिया तो अच्छी पहल बता रहे लोग, फेसबुक पे भी तमाम कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो उससे पता चलता है। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस आज का उसका सब्जेक्ट में बता दूं कि दोस्तों इम्पेक्ट ऑफ COVID-19 ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट पर क्या असर होगा COVID-19 के बाद, ये इसका पूरा पूरा परिचय और पूरा वृत्तांत से डिटेल में बताएंगे हमारे आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले। ये गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट के कर्ता रहता है, स्वागत करूंगा इनका। इसके पहले हमारे रमेश प्रभु जी हैं चेयरमैन, तो उनको इन्वाइट करूंगा। प्रभु सर या धन्यवाद सुनील जी, मैं तमाम फेसबुक और यूट्यूब या जितने भी लाइव में देख रहे हैं उनको सबका मैं स्वागत करता हूं, और जूम के माध्यम से जो अभी तक 50 के ऊपर लोग जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आपको जैसा सुनील जी ने बताया कि MNS एंड महासेवा न्यूज के जरिया 28 मार्च 2020 से हम एक प्रण लिया है कि एक साल तक ये लगातार हम कम से कम एक साल तक ये लगातार कार्यक्रम करेंगे। अब इस कार्यक्रम में हमने हर सैटरडे को एक मेगा कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जितने भी हम सोसाइटी का संबंधित रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, कमिश्नर, मिनिस्टर, ऐसे लोगों को बुला के जो भी मुद्दा एक हफ्ते भर का आता है वो स्पेशल शो मेगा एग्जीबिशन मेगा कॉन्फ्रेंस एवरी सैटरडे हम करेंगे। उसी तरह से हर सोमवार को हमने सोचा है कि हम जो भी हमारा NGO है जो हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित है या कोविड के संबंधित है उनको बुला के उनको सम्मान करते हुए अलग अलग NGO को हम जोड़ते जाएंगे। सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन हम ऐसे जो एक्सपर्ट्स है जो अलग अलग क्षेत्र में एक्सपर्ट है, वो डॉक्टरी हो, लीगल हो, आर्किटेक्चर हो, ऐसे लोगों को जोड़ते जाएंगे। आज हमने एक खास आदमी को आपके सामने लाया है, मुकुंद गोडबोले। मुकुंद गोडबोले को मैं गया 20 साल से अच्छे तरह से बहुत नजदीक से जानता हूँ। इनका स्वभाव हमेशा सोशल रहा है और मुझे जो अच्छा लगा है कि कभी भी कुछ भी आप पूछेंगे फोन में या ईमेल में वो तुरंत जवाब देते हैं, और खास बहुत सारा इसे यूट्यूब में या आपको उनका बहुत सारा लेक्चर्स आपको दिखाई देगा, और इतने स्वभाव में इतने डाउन टू अर्थ है। तो जैसे हमने दो दिन पहले उनको बताया कि ऐसे ऐसा एक प्रोग्राम हमें करना है तो उन्होंने तुरंत हाँ बताया, आज हमारे बीच में है। और उनका खासियत यही है कि ही इज एक्सपर्ट इन सेल्फ रीडेवलपमेंट, ही इज एक्सपर्ट्स इन रीडेवलपमेंट। उनका जो भी लीगल फर्म है, आर्किटेक्ट है, ये तो खुद आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का एक टीम बनाया।
और खास करके इनका जो जो जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट में तो है ही है, उसके अलावा तो वो हमें रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे सकते हैं, देते हैं, अक्का हिंदुस्तान में बहुत सारा जानकारी रखते हैं। और लेकिन आप थाना में देखेंगे, थाना डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का दादर इस एरिया में, मुंबई के बहुत सारे जगह, मुंबई एमएमआर रीजन में बताऊं, एमएमआर रीजन के इनका अच्छा पकड़ है और इनका अच्छा नेटवर्क है। आपको यदि कभी भी ऐसा कुछ रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, बेशक आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको एक ट्रांसपेरेंट और फ्री एडवाइस मिलेगा। और मैं ऐसे ही बताऊं, फ्री एडवाइस मतलब एडवाइस ही मिलेगा, आप कुछ भी काम उनसे फ्री मत कराओ। ये बहुत सारा टीम है, जो भी 25-30 लोगों का टीम है, उस टीम को भी उनको देखना है, उनका खुद का ऑफिस का भी खर्चा देखना है, जो भी प्रोफेशनल काम है उसका वो कोटेशन देंगे। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो वो मिल जाएगा, जैसा उदय प्रभु, विनोद प्रभु, बाकी का लोग जोड़े हैं हमारे साथ, उसी तरह से ये भी हमारा एक सहयोगी है। मुकुंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपको मैं स्वागत करता हूँ। और जो कोविड का 19 का जो हमारा एमएमआर में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, अक्का दुनिया में इसका असर हमें दिखाई दे रहा है। कई लोग बोलते हैं 6 महीना लगेगा, कई लोग बोलते हैं 1 साल जाएगा, कई बार 2 साल बोलते हैं। तो रियल एस्टेट जो बहुत बड़ा दिक्कत में जा रही है और पूरी तरह से एक अंधेरा फैला हुआ है, तो COVID-19 क्या ये अंधेरा को उजाला में लाएगा या और अंधेरे में खींचेगा, इसके इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। आपण मराठी, हिंदी, इंग्लिश तिन्ही लैंग्वेज मध्ये वापरू शकतात। शेवटी आमचे व्ह्यूअर जे आहेत ते जास्त जास्त महाराष्ट्रीयन आहेत, महाराष्ट्राचे आहेत, म्हणून आपण ज्या मातृभाषा आहे त्याच्यात किंवा इंग्लिश हिंदी तिन्ही लैंग्वेज मध्ये आपण वापरावा असं विनंती करून, आमचा कॉस्मो व्ह्यूअर असल्यामुळे आपल्याला असं विनंती करेल की तिन्ही लैंग्वेज वापरावा। धन्यवाद। बिलकुल बिलकुल सर, धन्यवाद प्रभु सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सर। मैं बता दूं, जैसा कि COVID-19 का संकट है, परसों में हमारे जो रतन टाटा है उन्होंने भी बताया कि ये जो सभी व्यापारियों को, सब बिजनेसमैन कम्युनिटी को, रियल एस्टेट तमाम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये 2020 का जो साल है दोस्तों, ये जीवित रहने का है, सर्वाइव करने का है, लाभ और हानि का नहीं है, प्रॉफिट और लॉस का नहीं है। ये आप ये साल 2020 आप पार गए कर गए तो बहुत बड़ी बात है। आप आज हमें सबको सोचना है, जो इम्पेक्ट है COVID-19 को तो निश्चित ही होंगे, लेकिन हमें यही लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचना है, आगे बढ़ना। इस तरह की पहल, इस तरह का स्पीच सभी लोगों को संबोधित किया है हमारे रतन टाटा जी ने, जो देश की शान है, और हमारे महासेवा के और मुंबई की शान मुकुंद गोडबोले जी, उनका स्वागत करता हूं। और बताएं किस तरह से इम्पेक्ट होंगे, क्या होगा COVID-19 के बाद रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर का। जी मुकुंद जी धन्यवाद, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल आवाज आ रहा है सर आपका, गो अहेड। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, सबसे पहले मैं रमेश प्रभु जी का धन्यवाद करूंगा, सुनील शर्मा जी, MNS मीडिया और तमाम MSWA के जो पदाधिकारी है और जो महासेवक है, और आज के कोविड के दौरान जो काम कर रहे हैं, तो उनके सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करूंगा। दूसरी चीज, ये आज का जो विषय प्रभु सर ने रखा है उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है ये कौन से दौर से गुजरने वाली है इसका आकलन हमें करना चाहिए। दूसरी चीज, मैं ज़्यादा हिंदी में बात करूँगा कि अपने सब जो दर्शक है जो उनको आसानी हो जाए, थोड़ी गलत हिंदी हो जाएगी तो माफ कर देना। ओके, सबसे पहले हम एक देख लेंगे कि ये जो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसकी पार्श्वभूमि क्या है। तो हम देखेंगे कि 10-12 बरस पहले हमारी जो इंडस्ट्री थी वो एकदम ऊंचाई पे थी, जैसे कि पूरे घर के जो रेट्स थे, हाउसिंग फ्लैट के रेट्स थे, दे वेर ऑन अ स्काई हाई ट्रेंड, और मध्यम वर्गीय आदमी के पूरे कैपेसिटी के बाहर हो चुका था। कोई मुंबई में घर लेना है तो कोई मध्यम वर्गीय आदमी अकेला वो घर लेना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई दूसरा उसका घर वो बेचे और उसमें कुछ पैसा डाल के, कुछ लोन लेके वो घर ले सकता था। अदरवाइज प्राइसेस हैड गॉन
सो हाई, जैसे कोई एक लहर आती है, जो लहर ऊपर जाती है और बाद में वो नेचुरली नीचे जाती है, वैसे जो ऊंचाई पे जो रियल इस्टेट थी वो नेचुरली नीचे आने वाली थी और उसका झटका रियल इस्टेट को बैठ गया। जो लेमन ब्रदर्स का प्रॉब्लम हो गया उसके बाद रिसेशन जो आ गया, तो उसके दौरान रियल इस्टेट ने जो नैनो फ्लैट और इकोनॉमिकल फ्लैट, इसका कॉन्सेप्ट वर्किंग किया। दोस्तों ये छोटे छोटे फ्लैट जो बनाए हैं, इसके वजह से जो उसकी फ्लैट की कीमत थी वो उनके लोगों के बजट में रही। इसलिए जो रिसेशन था, जो फ्लैट बिक नहीं रहे थे वो टाइम, उसका जो है वो मूवमेंट थोड़ा बहुत चालू हो गया। उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों, फरवरी 2015 में मुंबई DCPR आ गया, जो रिवाइज DP है वो आ गया। और महासेवा ने भी उसके ऊपर बहुत काम किया था और महासेवा के साथ में हम भी बहुत जोरों जो से जुड़ गए थे। हमने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, प्रभु सर ने भी उसमें जो भी खामियां थी, तो महासेवा की तरफ से पहला लेक्चर और पहला सेमिनार हम लोगों ने किया था कि वो DP में गलतियां क्या है। कोई निगेटिविटी हमको पसरानी नहीं थी, वो उसमें फैलानी नहीं थी, मगर उनकी गलतियां क्या थी और उसके आगे इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, उसका हमने अभ्यास करके वो लोगों के मार्फत हमने हायर अथॉरिटीज को समझा दिया। मगर जो फरवरी 2015 को जो DP आ गया, अल्टीमेटली उसको अप्रूव होने में 3.5-4 बरस लग गए और 2018 दिसंबर को ये मुंबई DCPR मंजूर हो गया। अभी ये 3.5 बरस में जितने भी DP पे नए नए रिजर्वेशन लगे हुए थे, तो नए रिजर्वेशन और पुराने रिजर्वेशन, इसमें जो स्ट्रिंजेंट रिजर्वेशन रहते थे, जो कड़क रिजर्वेशन होता है वो इम्प्लीमेंट होता है, उसके वजह से बहुत प्रोजेक्ट जो है वो हेल्ड अप हो गए, अटक गए वो जो प्रोजेक्ट है। उसी दौरान माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये जो नए प्रोजेक्ट मुंबई में आने वाले थे या नए अप्रूवल्स आने वाले थे, उनके अप्रूवल पे रोक लगा दी, स्टे दे दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि अपने मुंबई में जो देवनार, मुलुंड और अभी भांडुप के 3 जो डंपिंग ग्राउंड है वो सिस्टमैटिकली क्लोज करके जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपने को सही मायने में सिस्टम करनी चाहिए थी, बराबर करनी चाहिए थी। और उसके वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डेब्रिस डिस्पोजल, ये दो घटक के वजह से नए प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था। इसीलिए ये 2015 से 2018 दिसंबर तक सही मायने में ये जो रियल इस्टेट के नए प्रोजेक्ट पूरे अटक चुके थे। उसी दौरान सबसे बड़ी घटना जो घड़ी कि नोटबंदी जारी हो गई 2016 अक्टूबर नवंबर दिवाली के समय नोटबंदी जारी हो गई। अभी ये नोटबंदी सही है गलत है, इसके बहुत राजकीय और पॉलिटिकल विश्लेषण होते रहेंगे, मगर मुझे एक ऐसा लगता है कि ये जो नंबर 2 का मामला रियल इस्टेट में ज्यादा रहता था वो बहुत सारा कम हो गया। उसके वजह से एक प्रॉब्लम रियल इस्टेट में ऐसी आ गई कि जो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी थी वो पूरी ये बिजनेस से गायब हो गई। क्योंकि मुझे याद है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डेवलपर को यदि हम लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू करते हैं, इज इट ओके, आई एम ऑडिबल? यस सर, गो अहेड सर। यस यस, तो ये जो नोटबंदी के कारण रियल इस्टेट में से ये जो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी है ये गायब हो गई। ये रीडेवलपमेंट सेक्टर में यदि हम किसी को एक लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं कि बाबा हमने हमारे जो जनरल बॉडी मीटिंग में कोई एक डेवलपर को सिलेक्ट किया हुआ है और उसका जो सिलेक्शन है वो फाइनल तभी होगा जब ही डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन और रजिस्टर होगा, ये जो इसके बीच में जो 1-2 महीने की गैप होती है, वो गैप में डेवलपर यूज टू शो दैट लेटर ऑफ इंटेंट टू दोज इन्वेस्टर्स एंड इजिली यूज टू जनरेट फंड्स इन क्रोर्स। ओके, तो ये एक फायदा होता था डेवलपर लोगों को टू जनरेट देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सॉरी मुकुंद गडबोल सर, एकच मिनिट मी घेतो, तुम्हाला तुमचं प्रेझेंटेशन तुम्ही जे पाठवले ते मी शो करू का? ते नंतर केलं तरी चालेल, तुम्ही सांगा तेव्हा मी करतो। ओके, हा, कारण कसं आहे की त्या प्रेझेंटेशन मध्ये
अनेक गोष्टी टू द पॉइंट आहेत. मी आता थोडं त्याचं विश्लेषण तर उस वजह से क्या हो गया कि ये जो मार्केट से लोगों को जो इन्वेस्टर के जमात से जो पैसा मिलता था वो नोटबंदी के वजह से वो बहुत सारा बंद हो गया. वो नोटबंदी के बाद में जो आ गया वो रेरा कायदा आ गया. 2017 में रेरा 1 मई को इम्प्लीमेंट हो गया और महासेवा ने भी रेरा में बहुत बड़ा काम किया कि ये जो रेरा कायदा है वो फ्लैट परचेसर के लिए एक बहुत ही एक सेफ्टी मेजर के रूप में सामने आ गया. बहुत अच्छी सुरक्षितता लोगों को ये प्रदान हो गई. मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये एक गट्स दिखाए कि ऐसा एक कायदा रियल इस्टेट में लाए, क्योंकि तो ये जो रियल इस्टेट इतने बरस काम कर रहा था वो थोड़ा सा फैमिली टाइप जो वेंचर्स होते हैं वो टाइप में काम हो रहा था. कॉरपोरेट स्टाइल में ये हमारा बिजनेस जो है वो काम नहीं कर रहा था. बहुत सारी क्या बोलूं इनडिसिप्लिन हमारे बिजनेस में थी, तो थोड़ा समय तो पक्का लगने वाला था कि जो इनडिसिप्लिन जो बिजनेस चालू था उसको डिसिप्लिन करने को. मगर उसमें एक नया नियम आ गया कि ये जो डेवलपर्स है, ये जो डेवलपर मार्केट से पैसा उठाते या फ्लैट बेचते हैं, ये फ्लैट वो तभी बेच पाएंगे जब भी वो उनका प्रोजेक्ट अप्रूवल लेने के बाद रेरा में रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ही वो थर्ड पार्टी क्लेम या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जनरेट कर सकेंगे. इसका मतलब ऐसा है कोई भी डेवलपर या रीडेवलपर प्रोजेक्ट का नक्शा जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सबमिट करता है, उसकी मंजूरी लेता है और उसके बाद रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर करता है, उसके बाद में ही वो ये फ्लैट बेचना शुरू करेगा. इसका मतलब एक सही हो गया कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 30-40% अमाउंट ये अप्रूवल को लगती है. ये अप्रूवल में क्या क्या खर्चा आता है, तो बेसिकली जो हम TDR खरीदते हैं, हम फंजिबल FSI खरीदते हैं, हम प्रीमियम FSI खरीदते हैं, हम स्क्रूटिनी फी भरते हैं, अलग अलग तरीके के जो डिपॉजिट हम भरते हैं, तो ये जो हम ओपन स्पेस डेफिशिएंसी भरते हैं, तो तकरीबन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में इसका 30-40% रेशो ये अप्रूवल के पहले है. इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करने से दे वर रिस्ट्रेन फ्रॉम दैट एंड द इन्वेस्टर हैड टू इन्वेस्ट हिज ओन फंडिंग. अभी समझो 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है तो 3-4 करोड़ रुपया डेवलपर को अपने जेब से खर्चा करना पड़ा. उसके लिए क्या हो गया, पहले क्या होता था जिसके पास जितने ज्यादा प्रोजेक्ट है वो डेवलपर स्ट्रांग है ऐसा हमको लगता था, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट है उसके वजह से उसका रोलिंग स्ट्रांग होता था. नोटबंदी और रेरा के वजह से क्या हो गया कि रेरा में उनको एक अलग रेरा अकाउंट ओपन करना पड़ता है और जो फ्लैट बेचने के बाद जो पैसा आता है उसका 70% पैसा वो रेरा अकाउंट में जाता है और वो खर्चा सिर्फ वही प्रोजेक्ट में आपको खर्चा करना है. इसका थेट मतलब ये हो गया कि वो जो पैसा आएगा वो प्रोजेक्ट पे ही खर्चा होगा. ये बहुत अच्छा एक व्यवहार का पॉइंट है जिसके वजह से कोई प्रोजेक्ट जो है कि पैसे के वॉन्ट पे या पैसे के स्केरसिटी पे अटक नहीं जाए. मगर वो एक पीरियड ऐसा था कि सब डेवलपर रोलिंग पे काम करते थे. अभी एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में वो रोलिंग नहीं कर पाएंगे तो उनका रोलिंग बंद होके प्रोजेक्ट जो है उसका जो कैश फ्लो है वो अड़चन में आ गया. उसके वजह से जो स्ट्रांग डेवलपर है जिनके पास फिनेंशियल ताकत है और दे कुड सस्टेन सच इश्यूज ऑफ रेरा, दे वर इन पोजिशन टू एग्जीक्यूट एंड कंटिन्यू देयर प्रोजेक्ट परफेक्टली. मगर छोटे और मध्यम व्यवसाय जो डेवलपर है उनकी तकलीफ ऐसी हो गई कि उनको रोलिंग में पैसा मिलना मुश्किल हो गया, सेल का प्रॉब्लम हो गया, रेरा रजिस्ट्रेशन के पहले मार्केट से पैसा उठाना उनको मुश्किल हो गया और उसी दरमियान बहुत सारे NBFCs का फ्रॉड जैसे कि ILFS है, DHFL है और भी छोटे छोटे NBFCs है, इनके फ्रॉड सामने आ गए. कई बैंक इसमें अटक चुकी. इस वजह से रिजर्व बैंक ने बहुत NBFC को पैसा देने में
बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाल दी, इसके वजह से छोटे डेवलपर को एनबीएफसी से पैसा उठाना भी डिफिकल्ट हो गया। इसका नतीजा एक हो गया, बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज के तारीख में अटक चुके हैं। अभी बहुत जगह क्या हो गया है, लोगों को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, लोग टेम्पररी भाड़े के घर में रह रहे हैं, मगर डेवलपर के पास पैसा न होने के कारण वो लोगों को रेंट जो हर महीने देता है वो देने की कंडीशन में नहीं है। जो अप्रूवल्स उसको लेने हैं, अप्रूवल में जो सरकार को पैसा भरना है वो भरने की उसकी ताकत नहीं है, और ये सब विशेष सर्कल में डेवलपर अटक के आज का स्टेटस है कि बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो छोटे और मध्यम स्केल के डेवलपर है जिन्होंने फिनेंशियल डिसिप्लिन बराबर तरीके से फॉलो नहीं किया है वो डेवलपर आज अटक चुके हैं, जिनके वजह से मुंबई में आज के तारीख में लाखों सीनियर सिटीजन जो पुराने घर में रह रहे थे और वो आज भाड़े के घर में रह रहे, उनका जो भविष्य है वो खतरे में आ गया है। तो ये जो इनडिसिप्लिन थी वो ज्यादा से ज्यादा हमको डिसिप्लिन होने के तरह में हमको मार्गक्रमण करना चाहिए। अभी उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब दौरान ये जो आज का कोविड 19 ये जो प्रॉब्लम आ चुका है, तो अभी ये कोविड 19 के बाद अपने रियल इस्टेट इंडस्ट्री पे इसका क्या असर पड़ेगा ये हम थोड़ा देख लेंगे। अभी सबसे पहले देखेंगे तो आज तक 40-42 दिन हो चुके हैं जिसमें रियल इस्टेट इंडस्ट्री पूरी की पूरी ठप पड़ी हुई है। डेवलपर लोगों के जो खर्चे हैं जिसको हम अनुत्पादित एक्सपेंडिचर कहेंगे, जिसे खर्चा तो हो रहा है पर जिसे इनकम कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे जो खर्चे हैं वो गए 1.5-2 महीने में कंटिन्यू है। जितने भी लेबर लोग साइट पे रह रहे उनका रहने का खाने का बंदोबस्त, उनका मेडिकल चेकअप का बंदोबस्त डेवलपर को करना है। जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू है जिनमें सोसाइटी के मेंबर आज डिस्प्लेस हो चुके हैं, मींस दे आर स्टेइंग इनटू अ रेंटेड प्रीमाइसेस, उसका जो भाड़ा देना है वो डेवलपर के सिर पे आ चुका है। अभी छोटे छोटे बिल्डिंग में भी 8-10 लाख रुपया महीना डेवलपर को भाड़ा देना पड़ता है, और यदि समझो बड़े प्रोजेक्ट है या मुंबई के हार्ट में वो प्रोजेक्ट है तो तकरीबन 25-40 लाख रुपया एक प्रोजेक्ट का महीने का रेंट का खर्चा बिल्डर को अदा करना है। अभी गवर्नमेंट ने तो इशू किया है कि कोई रेंट ना ले लेवे, मगर ये प्रैक्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है। अब ये डिस्प्यूट चालू हो गए, मीन्स हमारे सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो आना शुरू हो गए, बोल रहे हैं कि ये कोविड के समय में प्रधानमंत्री जी ने तो बोला है कि किसी से रेंट ना लिया जाए, मगर हमारा तो जो फ्लैट ओनर है वो तो तैयार नहीं है, वो बोल रहा है जो भी तुम्हारा 40-50 हजार रुपया भाड़ा है, 70 हजार भाड़ा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, इतना बड़ा भाड़ा इतनी बड़ी रकम मैं तो छोड़ नहीं सकता। अभी डेवलपर लोगों ने भी बात करना शुरू किया है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक दी पेमेंट अगेंस्ट दी रेंट। ये एक थ्री लेगेड रेस हो चुकी है कि फ्लैट ओनर पैसा मांग रहा है, जो सोसाइटी मेंबर्स है दे आर इन टू ट्रबल, एंड डेवलपर्स भी हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है। और आज के तारीख में डेवलपर का जो लिक्विडिटी क्रंच है वो बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो गया है अभी 1-1.5-2 महीने में डेवलपर का जो सेल हो चुके है फ्लैट उसके जो पैसा आना है वो आना बंद हो चुका है। अभी जो फ्लैट परचेसर है वो भी अभी कॉशियस हो गए, वो भी अभी पेमेंट देने के लिए रुक गया है। नए फ्लैट लेना तो अभी 2-3 महीने में तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, और ये जो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी इमीडिएटली कोई भी आदमी नया फ्लैट परचेस करने को जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो भी देखेगा, ही विल वेट एंड वॉच कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी आपको भी मालूम है कि ये 2017 जुलाई में जीएसटी आ गया। अभी जीएसटी से क्या बड़ा एक इशू हो गया कि इनिशियली जीएसटी का रेट ऑफ जो परसेंटेज था इट वॉज वेरी हाई, इसकी वजह से मुंबई में कोई भी फ्लैट ले कोई ले रहा है तो उसको 40-50 लाख कम से कम जीएसटी भरना पड़ता था। अभी वो 40-50 लाख में अंबरनाथ बदलापुर में एक और फ्लैट आ सकता था। तो ये एक मानसिकता बनी लोगों की कि इतना बड़ा जीएसटी भरना, बोले तो वो गले की हड्डी बन गया। इस वजह से क्या हो गया, लोगों का जीएसटी मीन्स भरने के लिए जो एक माइंडसेट था कि रादर देन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट
हम रेडी पोजेशन फ्लैट लेंगे तो जीएसटी लगता नहीं था. उसका मतलब ऐसा है कि इफ द प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यू डोंट नीड टू पे जीएसटी. एंड दैट्स व्हाई डेवलपर को भी उसको आसानी है कि उसकी फ्लैट की कीमत कम होती है, क्योंकि फ्लैट की कीमत प्लस स्टैंप ड्यूटी प्लस जीएसटी तो अल्टीमेट अमाउंट बढ़ती है. तो जब भी रेडी पोजेशन के फ्लैट है तो जीएसटी भरना नहीं पड़ता है. तो लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि रादर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट हम रेडी कंस्ट्रक्शन रेडी जो पोजेशन फ्लैट है वो हम ले लेंगे. उसका एक डायरेक्ट परिणाम ऐसा हो गया कि डेवलपर को खुद का पैसा डाल के भले बुकिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं मिले फिर भी उसको कंस्ट्रक्शन खुद का पैसा डाल के करना है, जो कि उसका ओसी मिलने के बाद फ्लैट ज्यादा से ज्यादा फास्ट बिक सके. ये डेवलपर की मानसिकता होगी. अभी क्या हो गया, रेरा के वजह से और नोटबंदी के वजह से उसको इनिशियली जो पैसा है वो मार्केट से रेस करने में डिफिकल्टी आ गई. अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग कम हो गया, उसके वजह से खुद के पैसे डाल के उसको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना पड़ा. इसीलिए जो डेवलपर ज्यादा पैसा कैपेसिटी है उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है फिनेंशियली, वो लोगों ने खुद के पैसे डाल के प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ये एक उनकी सिस्टम हो गई. और ये सिस्टम में छोटे डेवलपर तकलीफ में आ गए. आज के तारीख में ये लॉकडाउन उठने के बाद भी यही कॉन्सेप्ट आगे जाने वाला है कि लोग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट या कमर्शियल बुकिंग में डरेंगे, क्योंकि उनको एक सुरक्षितता का अभाव लगेगा कि आज मैं समझो एक 30-40 लाख रुपया 50 लाख रुपया बुकिंग अमाउंट वो फ्लैट की, क्योंकि रेरा के हिसाब से 30% ऑफ योर बुकिंग अमाउंट ये आपको भरनी है. अभी थाना में देखेंगे थाना कि आगे तो 1 करोड़ का मिनिमम फ्लैट होता है और मुंबई में भी तो 2 करोड़ के नीचे फ्लैट मिलता नहीं है. तो कम से कम 30% भी बोलेंगे तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कम से कम फ्लैट परचेसर को डेवलपर को देना है. अभी ये 1 करोड़ आज के तारीख में आफ्टर कोविड भरना पड़े तो फ्लैट परचेसर विल फील इनसिक्योर्ड और वो बोलेंगे कि रादर कोई रेडी पोजेशन फ्लैट है तो वही हम बुक करेंगे या डायरेक्टली खरीदेंगे. इसलिए डेवलपर को उनके रेडी फ्लैट बेचने में तकलीफ आएगी, सॉरी उनको अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेचने में तकलीफ आएगी और जो इमारत उनकी कंप्लीट हो चुकी है वो फ्लैट बेचने में उनको आसानी आएगी. दूसरी चीज ये लिक्विडिटी क्रंच जो है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा पैसा अभी ये बैंकिंग सिस्टम में अपने प्रधानमंत्री और फिनेंस मिनिस्टर वो अंदर डाल रहे हैं, उसमें कोशिश करके वो जो पैसा है वो पैसा लोन के माध्यम से उठा के वन कैन गो अहेड फॉर दोज प्रोजेक्ट्स. दूसरी चीज जो प्रोजेक्ट बंद पड़ चुके हैं उनके लिए एक डिस्ट्रेस फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है जो स्टेट बैंक के माध्यम से वो डेवलपर को मिलता है. तो जो प्रोजेक्ट आज के तारीख में बंद पड़ चुके हैं उनके जो डेवलपर है उनके लिए मुझे एक मेरी एक सलाह है कि कम से कम कोई भी अच्छा जॉइंट वेंचर पार्टनर देख के उस जिसके पास एक अच्छी लिक्विडिटी अवेलेबल है. लिक्विडिटी नॉट इन फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री कि मेरे पास आज 20 फ्लैट बचे हैं वो मैं बेच के पैसा खड़ा करके आपको लाके दे दूंगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्लैट बिक के वो पैसा आएगा. जिसके आज बैंक में पैसा है, जिसके आज हाथ में पैसा है, वो लिक्विडिटी जो है उसकी वो अवेलेबल होनी चाहिए. तो ऐसे जॉइंट वेंचर पार्टनर लेके वो प्रोजेक्ट जो उनके बंद पड़े हुए हैं वो प्रोजेक्ट चालू करके जितना जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे उतना वो बेहतर रहेगा. क्योंकि जितना प्रोजेक्ट अटक चुका है और वो सोसाइटी मेंबर बाहर है तो अनुत्पादिक जो खर्चा है, जो उनके रेंट पे खर्चा जा रहा है, जो पैसा उन्होंने कॉरपोरेशन में अप्रूवल के लिए भरा है उसका इंटरेस्ट उनका वेस्ट हो रहा है, उनकी साइट मैनेजमेंट टीम है, इंजीनियर का खर्चा है, वो अननेसेसरी उनका खर्चा वेस्ट हो रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन में कोविड-19 के सिचुएशन में प्रॉफिट कम होवे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेवलपर लोगों ने वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और उनके जो जितने भी प्रोजेक्ट है, जो चालू प्रोजेक्ट है, वो जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट होवे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. दूसरी चीज जो सामने बहुत नए प्रोजेक्ट भी आएंगे, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है
ये जो नए नियम आ गए DCPR 3-4 बरस के बाद आ चुका है, तो लोगों के जहन में आ गया कि क्यों ना हमारी इमारत भी रीडेवलप हो जाए। इसलिए आप देखेंगे तो एवरी डे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आ रही है, मगर ये डेवलपर जो छोटे और मध्यम स्वरूप के डेवलपर है जिनके पास आज लिक्विडिटी नहीं है और जो खाली रोलिंग पे खेल खेल रहे, वो जो डेवलपर है उनके लिए मिली मेरी एक सलाह है, इट्स एडवाइज टू दोज डेवलपर्स दैट डोंट गेट इनटू ट्रैप ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। जो भी आपके पास पैसा है उससे जो अटक चुके प्रोजेक्ट वो पहले कंप्लीट करो, भले उसमें कम प्रॉफिट होवे, भले उसमें प्रॉफिट ना भी होवे तो भी उसमें से निकल जाओ, और समझो कुछ प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए, बुक द मिनिमम अमाउंट ऑफ लॉस एंड कम आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज एज द डेज प्रोसीड जितना टाइम और जाएगा वो लॉस और बढ़ता जाएगा। इसलिए जितना जल्दी डिसीजन ले लेंगे, जैसे शेयर मार्केट में शेयर मार्केट गिर जाता है तो कभी कभी इट इज अ वाइज मूव टू बुक लॉस एंड गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, एंड व्हेन मार्केट इज फर्दर डाउन देन वन कैन इन्वेस्ट इन न्यू स्क्रिप्ट्स। तो ये एक डिसीजन योग्य समय पे योग्य डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिक्विडिटी पे डेवलपर लोगों को ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लेबर लोगों की, आज हमने देखा जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो लॉकडाउन शुरू होने के पहले 4 दिन जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ जहां से लोग मुंबई में आते हैं काम के शोध में, तो इन सर्च ऑफ वर्क ऑल दोज लेबर्स फ्रॉम दोज स्टेट्स दे कम टू मुंबई, एंड व्हेन द कोविड लॉकडाउन स्टार्टेड सो बिफोर दैट द ट्रेन्स वेर ओवरफ्लोइंग एंड फ्यू लेबर्स वेंट टू देयर नेटिव प्लेस, फ्यू आर स्टिल सिटिंग इन मुंबई, एंड लास्ट 3-4 डेज द गवर्नमेंट हैज मेड अरेंजमेंट्स फॉर दोज लेबर्स टू गो टू देयर ओन नेटिव प्लेस। जैसे कि ये लेबर लोग सब निकल जाएंगे उनके उनके नेटिव प्लेस पे, और समझ लेना जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन ये मुंबई में इट विल बी अ बिग स्केर्सिटी ऑफ लेबर्स, बिकॉज अभी मेरे साइट पे 100 लेबर्स है तो प्रोबेबली ओनली 10-15 लेबर्स आर अवेलेबल एट साइट दोज हु आर स्टेइंग राइट नाउ, एंड बाकी के लेबर जो है वो उनके गांव चले गए हैं। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में ये रिक्वायरमेंट आएगी लेबर्स की, और लेबर मुंबई में वो टाइम अवेलेबल नहीं हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये जो लेबर लोग वहां गए हुए हैं उनको यहाँ वापस आने के लिए खर्चा लगेगा, तो शायद ये चीज आ सकती है कि वो वहां से फोन कॉल करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्टर को डेवलपर को कि बाबा मुझे 15-20-25 हजार रुपया भेज दो, मुझे घर में पैसा देना है, मुझे आने के लिए टिकट के पैसे नहीं है। तो ये सब सिचुएशन आने वाली है, और जो मुंबई में जो अच्छे स्किल्ड लेबर्स है वो तो छोटे कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे कि बाबा इफ यू वांट मी टू वर्क यू नीड टू पे मी मोर, क्योंकि मुझे और 10 बड़े-बड़े डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर बुला रहे हैं तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ और कहीं भी काम कर सकता हूँ, वो मुझे 10 रुपया ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि लेबर की कमी खलने वाली है। तो शायद डेवलपर को जो स्किल्ड लेबर्स है, अच्छे अच्छे लेबर्स है, जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है, फिटर है, मिस्त्री है, जो अपने साइट पे होते हैं, तो बहुत सारे डेवलपर को ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता है क्योंकि उनको सिस्टम मालूम है कि वो कॉन्ट्रैक्टर की, वो इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की क्या सिस्टम है, उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, अच्छा काम करने के लिए क्या करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो कॉन्ट्रैक्टर को, वो लेबर लोगों को कुछ ज्यादा खर्चा देना पड़े। और भी एक डिफिकल्टी आ सकती है, जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए उनका मटेरियल साइट पे होगा, उन्होंने आधा अधूरा कुछ काम किया होगा और वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर 2 महीना नहीं आए, तो इट इज नॉट वेरी इजी टू रिमूव दैट लेबर कॉन्ट्रैक्टर एंड अपॉइंट अ न्यू कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टर को भी बहुत सारा कुछ पैसा दिया होगा, वो उसको निकाल देंगे तो वो पैसा डूब सकता है। इसलिए वो डिफिकल्टी कॉन्ट्रैक्टर को भी आने वाली है। इसलिए सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को मीठी बात करके लेबर लोगों को जल्दी से जल्दी अपने यहाँ बुला के जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी समझो मई एंड या जून के शुरुआत में लॉकडाउन खुल सकता है, तो ये एक बारिश शुरू होने का काम है। आपको मालूम है ये लेबर लोग इन द मंथ ऑफ मई एंड जून दे टेंड टू गो टू देयर नेटिव प्लेस, क्योंकि इन द मंथ ऑफ मई जनरली देयर यूज टू बी लॉट ऑफ मैरिजेस। ये एक अनुभव अपना रह चुका है कि मई महीने में बहुत सारी शादियां होती है,
ये सब लेबर मई और जून में गांव जाते हैं और खेती बाड़ी का काम करने के बाद जुलाई अगस्त गणपति के बाद मुंबई में आते हैं। जो महाराष्ट्र के लेबर लोग हैं वो कोकण में जाएंगे और वो भी होली अपना गणपति के बाद में ही आएंगे। तो ये खेती बाड़ी का जो काम है वो भी लेबर लोग मुंबई में आने का एक बड़ा तकलीफ का कारण बन सकता है। तो ये लेबर इश्यूज वी नीड टू हैंडल। दूसरी चीज है जो बिल्डिंग मटेरियल जो सप्लाई है, अभी दो महीना तो फैक्ट्रीज बंद है। अभी छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो ग्रीन जोन में है वगैरह चालू हो गई है, मगर शायद ये जो बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अभी मुझे नंबर वन ब्रांड का बेस्ट ब्रांड का सीमेंट चाहिए, बेस्ट ब्रांड के मुझे इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग फिटिंग चाहिए, प्लाईवुड चाहिए। तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट द सप्लाई मे बी क्रंच्ड, आई मे नॉट गेट दैट सप्लाई वेरी फ्लुएंटली। सो मे बी सप्लायर अपना कॉन्ट्रैक्टर्स एंड डेवलपर मे हैव टू यूटिलाइज द सेकेंड ब्रांड और थर्ड ब्रांड फॉर सीमेंट और स्टील। सो देयर इज यू नो मन में थोड़ा सा डर है कि ऐसा नहीं हो जाए कि अपने क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। छोटा ब्रांड 1-19-20 ब्रांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कुछ ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तभी दोस्तों समझ लेना कि ये ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक बिजनेस पे बहुत सारा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि उनके भी जो ड्राइवर्स है, क्लीनर्स है, मटीरियल लोडर्स है, वो लेबर को भी क्रंच आने वाला है। तो मेरे तो ट्रक, तो मेरे पास समझो 10 ट्रक है मगर ड्राइवर मेरे पास 5 ही आ गए, तो 5 ट्रक जो है मेरे जो भी है गैराज है उसमें ही पड़े रहेंगे, दे वोंट बी इनटू ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तकलीफ आने वाली है कि मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में अटक जाए। सेम थिंग कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि जो बड़ी एक्सकेवेशन की टीम है, तो मेरे पास पोकलेन और जेसीबी बहुत है, डंपर बहुत है, मगर उसके ड्राइवर नहीं है। अभी मेरे पास पोकलेन के ड्राइवर है मगर डंपर नहीं है, तो वो जो एक सिंक्रोनाइजेशन है वो होने वाला नहीं है। दूसरा कंक्रीट मिक्सर है, तो उसके भी जो ड्राइवर्स है, मटेरियल हैंडलर्स है, तो वो भी जब तक अपने अपने फैक्ट्री में अपने अपने काम पे नहीं आते तो वो जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो अचीव करना मेरे ख्याल में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी इसके बाद हम देख लेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे है कि ये लॉकडाउन के वजह से उनके अप्रूवल अभी तक आए नहीं है, तो वो जो प्रोजेक्ट है दे आर अबाउट टू किक स्टार्ट बट विदाउट वांट ऑफ अप्रूवल दे आर बीन हेल्ड अप और स्टक अप। तो होने वाला क्या है कि लॉकडाउन के बाद में सब डेवलपर अपना प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी अप्रूवल उसकी मिले, इसके वजह से वो कॉरपोरेशन में इंजीनियर के सिर पे बैठने वाले है। दे विल ट्राई ऑल देयर एफर्ट्स गेट देयर प्रपोजल्स अप्रूव्ड, जिससे कि उनका काम जो है वो जल्दी से जल्दी गणपति के या दशहरे के मुहूर्त पे काम शुरू हो जाए। बिकॉज वो जो फेस्टिवल सीजन होता है वो बुकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो प्रोजेक्ट रेरा का अप्रूवल लेके वो टाइम चालू हो जाए, इसकी कोशिश डेवलपर को करनी चाहिए। इसका परिणाम ऐसा हो जाएगा कि कॉरपोरेशन के इंजीनियर जो आज भी COVID-19 में ड्यूटी पे है इमरजेंसी, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने वाला है, क्योंकि अप्रूवल की फाइल्स स्क्रूटिनी करके अप्रूवल देने में उनके ऊपर काम का बहुत बड़ा बोझा पड़ेगा। तो इस समय ये जो सब इंजीनियर होते हैं इनका सहयोग, इनका जो सपोर्ट है और इनका गाइडेंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारे इंडस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। ये हमको भी गाइडेंस देते हैं, हमको भी मदद करते हैं, क्योंकि उनके गाइडेंस पे ये जो अप्रूवल्स है वो अच्छी तरीके से अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जल्दी में हमको मिलते हैं। तो अभी इंजीनियर लोगों का भी सहयोग ये कोविड के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो मानसून अभी आगे आएगा इसकी वजह से जो एक्सकवेशन के काम है वो रुकने वाले है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो बेसमेंट उसमें आते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें एक बेसमेंट, दो बेसमेंट, डबल बेसमेंट आते हैं। तो ये मानसून के समय ये हम बेसमेंट के काम के बाहर आए नहीं होंगे, ये अबाउ प्लिंथ हम समझो नहीं रहेंगे,
तो ये कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही धीमे तरीके से आगे जाएगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड रिस्की ऑल्सो कि ये जो एक्सकेवेशन है बेसमेंट का ये बारिश के समय हो जाए. आपको मालूम है वडाला में कुछ बरस पहले जब भी एक्सकेवेशन होता था तभी आजू बाजू की जो मट्टी है वो सेटल हो गई और उस वजह से बहुत सारी बाजू की जमीन है वो धस गई थी. तो इसके वजह से शोर पाइलिंग विल बी इम्पॉर्टेंट इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सकेवेट, और जिसकी वजह से शोर पाइलिंग का खर्चा भी और बढ़ सकता है. तो ये जो आने वाला मानसून है ये मानसून कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा डिले कर सकता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन जो है शायद गणपति के बाद में दिवाली के बाद में शायद शुरू हो सकते हैं. अभी ये कोविड के वजह से पूरी दुनिया में एक मंदी का माहौल पहले से छा गया है. हम देखेंगे कि यूएसए में अभी तक पूरी तरीके से लॉकडाउन हुआ नहीं है, इनके काम चालू हो रहे हैं और अभी परसों ही ओपन हो गया कि इनके इंटरनल फ्लाइट्स भी अभी सब चालू हो जाएंगे. इसलिए वो बहुत इकोनॉमी पे जोर दे रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो गिर नहीं जाए. मगर हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने लोगों के जान पर ज्यादा भरोसा रखा है कि कोई भी आदमी की जान ये कोविड के वजह से जाए नहीं, कम से कम हानि होवे, ये सोच के ये बहुत बड़ा लॉकडाउन का फैसला बहुत जल्दी ले लिया है, जिस वजह से लोगों की जान का जो खतरा था वो हमने बहुत टालने में आज तक हम बहुत यशस्वी हो चुके हैं. मगर इसके साथ साथ में जो इकोनॉमी के क्राइसिस आने वाले हैं जिसके वजह से जो रियल इस्टेट के प्राइसेस है वो गिरने के बहुत चांसेस है कि 10-15% कम से कम प्राइसेस गिर सकते हैं. अभी ये समय डेवलपर को उनके फ्लैट कम भाव में बेचने नहीं पड़े इसके वजह उनको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले उनको उनके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है. जो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेगा और हाई क्लास अमिनिटीज देगा जिसे लोगों को अट्रैक्शन होगा कि बाबा लोगों को अभी ऑप्शंस बहुत है, एक ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, सी प्रोजेक्ट है जिसमें अच्छी अच्छी कॉस्ट भी डिस्काउंट हमको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्लैट परचेसर्स विल कंपेयर कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किसकी अच्छी है, कौन अच्छे हमको एमिनिटीज दे रहा है, कौन ट्रस्टवर्दी ज्यादा है जिसके ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं कि आगे चल के वो एक दो बरस में वो प्रोजेक्ट बिना रुके और बिना हमको असुरक्षित करके ये प्रोजेक्ट कैसा कंप्लीट कर सके. इसलिए ट्रस्टवर्दीनेस होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ट्रांसपेरेंसी, जो भी वो डेवलपर काम करेगा दैट ही नीड्स टू शेयर विथ हिज फ्लैट परचेसर और उनके साथ उनको सहयोग रखना है. ऐसे तरीके से डेवलपर हम जो आगे के बरस दो बरस में काम करेंगे तो उनके फ्लैट बिकने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और उसको अच्छी तरीके से किराए मिल सकते हैं. दूसरी चीज, इसको उसके फ्लैट बेचने में अलग अलग मार्केटिंग के फंडे अपनाने पड़ेंगे. जैसे कि आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और बहुत सारे अदर मीडिया पे जो डेवलपर्स है वो एडवर्टाइज करते हैं, तो एक अच्छे अच्छे जो मीडियाज है उससे एडवर्टाइजमेंट करके जितना ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच सकेंगे और वी विल शोकेस आवर प्रोजेक्ट टू मैक्सिमम पीपल एंड एक्सप्लेन देम आवर प्लस पॉइंट्स कि हमारे पास क्यों आप आवे, कि हमारे प्रोजेक्ट में अच्छी अच्छी चीजें क्या है, वो जब तक लोगों के पास पहुंचती नहीं तब तक फ्लैट्स या कमर्शियल ऑफिसेस बिकेंगे नहीं. इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के तरफ पहुंचना ये एक की ऑफ सक्सेस है. इसलिए डेवलपर ने मार्केटिंग पे बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए. इसीलिए अच्छे अच्छे जो एजेंट्स है इसमें अभी स्टेट कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी एजेंट्स इनका भी योगदान बहुत बड़ा होने वाला है कि जैसे अच्छे एजेंट्स है दोज हु आर ट्रस्टवर्दी एजेंट वो ज्यादा से ज्यादा गिराई ला सकते हैं क्योंकि उनका रीच बहुत है. सो इसमें थोड़ा डेवलपर का खर्चा बढ़ेगा, स्टेट कंसल्टेंट को जो कमीशन देना पड़ेगा उसका खर्चा बढ़ेगा, मगर वो डेफिनेटली फ्लैट परचेसर को डेवलपर के प्रोजेक्ट के सेल्स ऑफिस तक लाके फ्लैट के डील क्लोज करने में मदद करेंगे और ये बहुत फायदेमंद साबित हो जाएगा. दूसरी चीज, भारत सरकार ने
जैसे मैंने बताया कि बैंकों को अच्छी लिक्विडिटी दे दी है, इसलिए हाउसिंग फिनांस जो है परसों ही आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी है, इस वजह से हाउसिंग फिनांस भी कुछ परसेंट सस्ता हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन उठने उठने तक और 1% हाउसिंग रेट के इंटरेस्ट कम हो जाएंगे और हाउसिंग फिनांस बहुत आसान हो सकता है। और इसके वजह से लोगों ने भी, जैसे शेयर मार्केट में शेयर मार्केट गिरता है तो अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट जो लॉन्ग टर्म फायदा मुनाफा देंगे ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऐसे जो फिनांस कंसल्टेंट बोलते हैं, वैसे ही मैं रियल इस्टेट कंसल्टेंट होने के नाते ये बोलूंगा कि ये जो है रॉक बॉटम प्राइसेस पे रियल इस्टेट आ चुका है, इससे और नीचे जाने वाला नहीं है। COVID-19 के नीचे जो जाएगा उसके नीचे जाने वाला नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। मैं बोलता नहीं हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा करो कि मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है तो इन्वेस्टमेंट में डालो, शायद उसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मगर घर, ये जो रोटी कपड़ा और मकान, ये जो मकान है, जो जो आदमी की जरूरत है, इनके लिए ये समय घर लेना बहुत अच्छा है। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग की भी बहुत सारी स्कीम्स चालू है और भी स्कीम्स आएंगी जो रीजनेबल रेट पे है। नैनो हाउसिंग या छोटे इकोनॉमिकल हाउसिंग है जो छोटे फ्लैट्स है, इसमें भी कम से कम रेट में डेवलपर्स आर लॉन्चिंग देयर प्रोजेक्ट्स। तो फ्लैट परचेसर ने भी इसका फायदा लेके, जो हाउसिंग फाइनेंस कम आ गया है उसका बेनिफिट लेके हाउसिंग फ्लैट्स और कमर्शियल्स बुक करने चाहिए। दूसरी चीज, आज अभी ये जो रेट कम हो जाएंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, अभी रेवेन्यू कम होगा तो ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बहुत मार खाएगी। अभी फिजिबिलिटी मार खाएगी तो उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं ये फिजिबिलिटी सुधारने के लिए। एक तो खर्चे कम करो और दूसरे रेवेन्यू बढ़ाओ। तो रेवेन्यू बढ़ाना तो आज के तारीख में थोड़ा कठिन मुझे दिखता है। तो खर्चे कैसे कम हो सकते हैं? तो खर्चे कम तभी हो जाएंगे जब सरकार भी हमको थोड़ा सहूलियत देगी। अभी हमने देखा है कि फडणवीस साहब की जब भी सरकार थी तभी MCHI, क्रेडाई और इवन MSWA, प्रभु साहब ने भी उसमें बहुत काम किया था। उनकी भी बहुत बड़ी एक टीम है हमारे जैसे कंसल्टेंट को लेके, वो मिनिस्टर्स को मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर को मिलके हम लोगों ने वो प्रपोजिशन दे दिया था कि ये जो रेट्स है जिससे हमको अप्रूवल लेने में जो खर्चा पड़ता है वो कम किया जाए, जिससे फंजिबल के रेट में कटौती करो, प्रीमियम ऑफ योर FSI, TDR का जो है रेट, उसके बाद में ओपन स्पेस डेफिशिएंसी है, डेवलपमेंट चार्जेस है, तो ये रेट में सरकार ने 2 बरस के लिए पहले से ही थोड़ी कटौती कर चुके हैं, मगर उसमें और कटौती करना अभी रिक्वायर्ड है। वो कटौती करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, जिससे थोड़ा जो रेवेन्यू और खर्चा इसमें जो गैप है वो जो है उसमें अपने को फायदा हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा। दूसरी चीज, थोड़ी 10-15% रेडी रेकनर रेट ये कम करेंगे समझो। मुझे खुशी है कि गए सरकार ने गए 3 बरस में रेडी रेकनर रेट बढ़ाए नहीं थे, क्योंकि रेडी रेकनर से बहुत सारे चार्जेस है ये कनेक्टेड है कि रेडी रेकनर रेट बढ़ने से बाकी भी खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो रेडी रेकनर रेट 3 बरस में बढ़ा नहीं है, मगर आज सिचुएशन ऐसी आ गई है ये रेडी रेकनर रेट 10-15% और कम करने की जरूरत हमको पड़ेगी, जिससे ये जो म्हाड़ा के प्रपोजल्स है 33(5) में प्रोजेक्ट्स है इसमें हमको बहुत सहूलियत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट वो रेडी रेकनर रेट ज्यादा होने के वजह से आज के तारीख में वो फिजिबल नहीं हो रहे। इस वजह से सेंट्रल सबब हम देखेंगे कि कन्नमवार नगर है, नायडू नगर है, पंत नगर है, और ये रेट जो प्रपोजल्स है वो फिजिबल नहीं होते। तो ये रेडी रेकनर रेट कटौती करने के बाद उनके भी जो घर है आज के तारीख में बहुत डेंजरस हो चुके हैं, वो इमारत में बहुत सारा बांधकाम जो है वो खराब हो चुका है और लोग अपनी जान मुट्ठी में लेके वो बिल्डिंग में रह रहे हैं। इसलिए ये जो डेंजरस इमारत है, डिलैपिडेटेड इमारत है, वो जल्दी से जल्दी रीडेवलप हो जाए, उसका पुनर्विकास जल्दी हो जाए। इसीलिए ये खर्चे जो है अप्रूवल के ये सरकार ने थोड़े कम करने चाहिए, इसका ये मेरी विनती है स्टेट गवर्नमेंट से, और जिसके वजह से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को थोड़ा
और बाकी भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को थोड़ा फायदा हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये जो खर्चा है वो स्टेजेस में भरने को सरकार ने हमको अलाउ किया है, वैसे और थोड़ा सा पेमेंट जो हमको सहूलियत देंगे कि इट कैन बी पेड इनटू 5-6 इंस्टॉलमेंट बिफोर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, तो डेवलपर की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आज के जो लिक्विडिटी क्रंच जो आ गया है इसको थोड़ा सा केटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जितना हमको वो हफ्ते बना के दे देंगे, जिसको हम स्टेजेस में पेमेंट करने की सहूलियत और ज्यादा देंगे, वो हमको फायदा है। अभी हम थोड़ा सा रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट की बात करने से पहले और कोई पॉइंट्स जो है वो थोड़ा हम देख सकते हैं कि डेवलपर को भी उसके खर्चे में थोड़ी कटौती अभी करनी चाहिए, जैसे कि राइट डिसीजंस एट राइट टाइम उसको लेने हैं। कि कभी कभी क्या होता है कि आर्किटेक्ट इंजीनियर के ड्राइंग्स साइट पे आए नहीं होते और जिस वजह से लेबर बैठ के रहते, हम हर 10 या 15 दिन के बीच में एक स्लैब कास्ट होनी चाहिए, ये टारगेट होना है। अभी 15 दिन के ऊपर आप चले जाएंगे तो आपके ऑपरेटिव एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। जो लेबर जितने 12 या 15 दिन में स्लैब करेंगे तो मुझे लगता है कि इट इज अ गुड इकोनॉमिकल रेट जिससे सेविंग हो सके। एक महीने में 2 स्लैब हो जाएंगे तो अपने को बहुत उसमें जो एक्सपेंसेस है वो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है कि हम किसी भी हालत में ये इंश्योर करना चाहिए कि आर्किटेक्ट इंजीनियर एमईपी कंसल्टेंट और कॉरपोरेशन से अपने अप्रूवल्स, अपने डिजाइन और अपने ड्रॉइंग्स सही समय पर आने चाहिए, कभी भी उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर कैन प्लान कि फर्दर यू नो मटेरियल प्रोक्यूरिंग, कि जब भी आज मुझे प्लम्बर का अरेंजमेंट समझो कंसील्ड वर्क का काम हो चुका है तो उसके पाइप साइट पे अवेलेबल होने चाहिए, वो डीले हो जाएंगे तो प्लम्बर बैठ के रहेगा। तो ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है, एमएस प्रोजेक्ट है या पर्ट सीपीएम चार्ट है, तो उसके ऊपर हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देके जो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट है उसका लॉजिस्टिक्स हमको समझना चाहिए। दूसरा, ये जो रूलिंग है आज के तारीख में भी, डेवलपर नीड्स टू रिवर्क इट्स रोलिंग, रिवर्क इट्स रोलिंग, और समझो कुछ माल जो है, हेलो किसी ने जो उनका ऑडियो, तो ये जो डेवलपर के पास ये जो लिक्विडिटी क्रंच है वो अच्छा रहने के लिए, उसका जो कैश फ्लो अच्छा रहने के लिए, ही कैन वेरी वेल आफ्टर अप्रूवल ही कैन अप्रोच टू बैंक्स। नाउ देर आर मेनी बैंक्स जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देते हैं और जैसे ही आपका बांधकाम कंप्लीट हो गया आप उसको सर्टिफिकेट दे दे, आपको इमीडिएटली पेमेंट रिलीज हो सकता है। आपके अप्रूवल के पहले कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, मगर अप्रूवल के बाद आपको डेफिनेटली, देर आर मेनी बैंक्स, देर आर मेनी एनबीएफसीज आज के तारीख में भी लोन देते हैं और आपकी फाइल क्लियर है, आपके जो सिबिल रिकॉर्ड है वो क्लियर है, तो डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर को लोन मिल सकता है, जिसके वजह से मिनिमम डेज में आप हम जो कंप्लीशन है कंस्ट्रक्शन वो जल्दी कंप्लीट करेंगे। रीडेवलपमेंट में इसका एक फायदा होगा, समझो आपको डेवलपर ने 2 बोला है कि 2 में हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, समझो ये 1.5 में आप कंप्लीट करो, समझो 7-10 माले तक बिल्डिंग आराम से 1.5 में कंप्लीट होती है इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, तो ये हम कोशिश करेंगे कि ये कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो लोगों को जो हर महीना जो भाड़ा देना पड़ता है, इंजीनियर को पगार देना पड़ता है, वो डेवलपर का बच जाएगा और जो उसका बचेगा पैसा, सो आई ऑलवेज से द मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, तो वो डेफिनेटली जो डेवलपर लोगों को है वो बचाना चाहिए। दूसरी चीज, जो बिल्डिंग मटेरियल डेवलपर या कॉन्ट्रेक्टर परचेस करेंगे तो कभी कभी क्या होता था कि नहीं यार वो मुझे क्रेडिट देता है इसलिए मैं उसके तरफ से मटेरियल खरीदता हूँ, इसीलिए 2 मुझे महंगा पड़ता है। मगर अभी ये जो चीज है, समझो डेवलपर का कैश फ्लो अच्छा है तो ही नीड्स टू इंश्योर और ही नीड्स टू ट्राई आउट वेरियस वेंडर्स, जो आज बहुत सारे अपने पहचान के, ऐसा नहीं है कि एक ही वेंडर है जो अपने को अच्छा माल देता है,
बहुत सारे वेंडर्स है, तो उनके पीछे लग के थोड़ा सा मटेरियल प्रोक्योरिंग टीम डेवलप करके 2 रुपए रेट में भी हमको कोई फ्लोरिंग टाइल कम पड़े और 2 लाख फुट का अपना काम हो जाएगा तो 4 लाख फुट बचे, 4 लाख रुपया बचेगा। ऐसे हर जगह 2 लाख 4 लाख 2 लाख 4 लाख बचा तो डेफिनेटली कुछ करोड़ रुपया हम सब तरीके से हम कोशिश करेंगे तो हम बच सकता है, जिसके वजह से हमकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें 5-10% भी बच जावे ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी कुछ कुछ चीजें हम इनाउंस भी कर सकते हैं, जो हम चीजें आउटसोर्स करते थे बाहर से, तो अभी डेवलपर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, हमारी जितना नॉलेज डेवलपर्स लोगों को भी होता है, कभी कभी तो हमसे ज्यादा नॉलेज डेवलपर को होता है, क्योंकि वो एक्चुअली डेवलपर के तरीके से मार्केट में हर दिन काम कर रहे हैं, दे आर फेसिंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, तो डेवलपर को भी उसको नॉलेज है, थोड़ा समय वो ज्यादा दे देंगे प्रोजेक्ट में, क्योंकि क्या होता है जब भी डेवलपर बड़ा होता है तो उसको 5वां 6ठा माला चढ़ने में कंटाला आता है, वो उसके ऑफिस से बाहर नहीं पड़ता है, ही ओनली थिंक्स दैट ही विल टेक ओनली डिसीजंस एंड ही विल लुक ओनली द मार्केटिंग एंड सेल्स, तो वो नहीं, उसका जो विजडम है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो बेनिफिट है उसका, वो फायदा करके ही शुड विजिट साइट्स रेगुलरली और छोटी छोटी चीजों में उसको ध्यान देना है, जिससे वेस्टेज ऑफ मटीरियल भी कम हो जाएगा, नहीं तो क्या होता है कि जो 100 रुपया लगना है उसके ऊपर 110 रुपया लगता है। आप देखते हो ब्रिक वर्क, ब्रिक जितनी भी ईटे साइट पे आती है, जितने भी सीपोरेक्स, उसमें वेस्टेज बहुत होता है, बहुत टूट फूट होती है, सीमेंट में भी बहुत टूट फूट है, समझो कास्ट इन सीटू समझो कंस्ट्रक्शन है तो उसमें रेती वेती उसका खर्च बहुत वेस्टेज होता है, तो हमको बहुत ध्यान देना है कि ये वेस्टेज नहीं जाए, और हमको ये भी ध्यान देना है कि समझो RMC आ गया तो वो पूरा का पूरा माल खाली हो जाए, वो कम बचे नहीं कि वो वापिस गया माल तो 1 क्यूबिक मीटर का खर्चा अपने गले में पड़ने वाला है, तो छोटी छोटी चीजों का जो है अपने को कॉस्ट कटिंग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कॉस्ट अकाउंटेंट रख के उनके कॉस्टिंग कहाँ कम हो सकते हैं वो देखना है। दूसरी चीज है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपर को आज के बाद आगे के 2 वर्ष में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, कभी कभी अच्छा मार्केटिंग करने के लिए डेवलपर उनके साइट ऑफिस इतने जोरदार इंटीरियर करते हैं और कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारा फर्नीचर रेंट पे भी मिलता है, तो बहुत सारी चीजें जो है डेवलपर के खुद के नए ऑफिस में साइट ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें जो है वो रेंट पे मिलती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है आज आप परपेचुअल लाइसेंस लेने जाओ तो इट मे कॉस्ट यू इन लैक्स रुपीज, तो इसके लिए आप उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सस्ते में गिरेगा, तो हर एक चीज जो 1-1 लाख रुपए भी बचे तो फायदे की चीज है। दूसरी कॉस्ट कटिंग इन योर ऑपरेटिव एक्सपेंसेस ऑल्सो, डेवलपर को हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मनी मैनेजमेंट, मगर आज के तारीख में अपनी जो टीम है, अपने जो इनहाउस मेंबर है, उनसे ज्यादा आउटपुट कैसा निकले और बाहर का खर्चा कैसा कम हो जावे वो अपने को देख लेने का है। 3 आदमी का काम 2 आदमी कैसे करेंगे ये देख लिया तो 3रे आदमी का जो पगार है वो बच सकता है, तो ये सब जो चीजें है ये डेवलपर को ध्यान देनी है। अभी अपने आज का जो सब्जेक्ट है उसका जो दूसरा टॉपिक है जो रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अभी रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है मुझे ऐसा लगता है दे आर पॉइज्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे कुछ सोसाइटीज है वो आज सोच रहे हैं कि हमको रीडेवलप करना है, तो उनको मुझे बताना है कि कोई हेस्ट ना करे, मीन्स कोई जल्दबाजी ना करे, पूरी जो लॉकडाउन है वो खत्म होने दे, लॉकडाउन के बाद 1 महीना थोड़ा सोच ले, आज की सिचुएशन क्या है वो देख ले, अच्छा सा आर्किटेक्ट PMC सिलेक्ट करे और उसके बाद में दे नीड टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर टू गो फॉर अ डेवलपर और फॉर अ सेल्फ रीडेवलपमेंट, ये 2 चीजें बराबर सोच के आगे जाना है। अभी कुछ कुछ सोसाइटी ने डेवलपर्स फाइनल किए हुए है और अभी आइदर अप्रूवल हो चुका है और आगे काम चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल ये चीज रहेगी कि डेवलपर और सोसाइटी आर्किटेक्ट PMC ये सब बैठ के एक महत्वपूर्ण मीटिंग करे कि कोविड के बाद में जो डेवलपर ने कमिट किया है वेदर ही एग्रीज टू दैट, या कल को ऐसा नहीं हो जावे
कि डेवलपर 6 महीने बाद बोले कि यार अभी मुझे तकलीफ है, ये मैं नहीं दे सकता, वो मैं नहीं दे सकता, जिसमें क्या है, देयर इज अ डेफिसिट इन ट्रस्ट। समझो आज ही मुझे उसे लगता है कि मुझे तकलीफ है, मुझे 2 रुपया देना नहीं परवड़ता है, तो आज ही हम एक डिसीजन ले लेंगे कि मैं 2 रुपया कम करूंगा, आपको पसंद है तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो वी विल टेक डिवोर्स। एक तो वो डेवलपर छोड़ के दूसरे डेवलपर को आप सिलेक्ट करो और उसके बात करके आगे जाओ, या यू एक्सेप्ट इट विद अ बिगर हार्ट कि ठीक है आगे चल के थोड़ी तकलीफ आने वाली है तो हम भी थोड़ा सा एक पाँव आगे आ जाएंगे टुवर्ड्स कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, और एक चीज छोड़ देंगे और डेवलपर को भी जो लॉस हो रहा है तो उसमें थोड़ा हम सहकार्य करके, क्योंकि एक ध्यान रखो कि जब भी डेवलपर को लॉस होता है तो प्रोजेक्ट बंद पड़ता है। कोई भी डेवलपर मैंने देखा नहीं है आज तक कि लॉस सहन करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देवे। तो इसके वजह से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के लिए, प्रैक्टिकली कंप्लीट होने के लिए, ये दिल में कोई खटास नहीं होनी चाहिए और डेवलपर और सोसाइटी को बैठ के कुछ इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एग्रीमेंट में कभी कभी 50% या 25% ऑफ कॉर्पस फंड वो एग्रीमेंट के दिन देते हैं या अप्रूवल या इंडिविजुअल एग्रीमेंट के समय दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा सोसाइटी मेंबर्स को कि कोशिश करिए कि ये जो हफ्ता है डेवलपर का जो आज आपको दे देगा, वो उसको 6 महीने के बाद का सहूलियत दिए। उसको बोलो कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बदले आप आपका प्लिंथ कंप्लीट होने के बाद या RCC कंप्लीट होने के बाद आप मुझे दे दीजिए, जिसके वजह से उसका जो कैश फ्लो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आज आप उसे वो कॉर्पस फंड का हफ्ता मांगेंगे तो बहुत सारी कोशिश में कुछ करोड़ रुपीज आज ही उसको देना पड़ेगा। जब भी आज हर एक डेवलपर लिक्विडिटी में तकलीफ में है, कभी उसके पास जितने पैसे है उसमें से आप निकाल के ले लेंगे पैसा जस्ट फॉर अ सिक्योरिटी, नहीं नहीं हमको सिक्योरिटी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो ये आज के तारीख में बहुत डिफिकल्ट होगा। अपने गाड़ी के टंकी में 40 लीटर की कैपेसिटी है तो पूरा 40 लीटर पेट्रोल भर के रखो, उसमें से 10-15 लीटर डेवलपर की गाड़ी से निकालो मत, नहीं तो वो खोपोली जाके गाड़ी अटक जाएगी और वो उस दिन डेवलपर के पास वापिस वो टंकी भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा, वो गाड़ी घाट क्रॉस नहीं करेगी। तो अपने को भी अभी सोसाइटी मेंबर्स को भी डेवलपर को भी कोऑपरेट करना है। दूसरी चीज एक कर सकते हैं, जो भी कोऑपरेशन या कुछ कमर्शियल कॉम्प्रोमाइज सोसाइटी मेंबर्स यदि करते हैं तो दे शुड बी लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर। वी आर नॉट गिविंग ऑल द कॉम्प्रोमाइजेस और ऑल द गिविंग अवे विद द बेनिफिट्स ऑन द डे फर्स्ट। उसको हम बोल सकते हैं कि हम ये चीज आपको दे देंगे तभी दे देंगे, या आज समझो 50% देना है तो आप आज हमको 25% कॉर्पस फंड दे दो, 25% बाद में दे दो, तो वो इट विल बी रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ डेवलपर। और यदि हमको और कुछ बेनिफिट या डिस्काउंट डेवलपर को देना है तो उसका डिसीजन हम तभी लेंगे जब भी बिल्डर RCC या बांधकाम पूरा करेगा, उसके बाद में ही हम वो डिस्काउंट आपको रिलीज करेंगे। तो डेवलपर को भी एक टारगेट रहेगा कि मुझे ये परफॉर्मेंस देना है तभी सोसाइटी वाले मुझे ये थोड़ा बेनिफिट दे देंगे, जिससे उसकी फिजिबिलिटी में सुधार आएगा। डेवलपर को भी एक तय करना है कि उनके भी जुबान की एक कीमत है, कि उन्होंने भी लोगों को एक जुबान दी है और वो किसी भी हालत में वो कंप्लीट करनी है, तो एक फिजिबल एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके रीडेवलपमेंट में डेवलपर और सोसाइटी आगे गए जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे आज लगता है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट इज मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शन ऑफ द रीडेवलपमेंट। ये क्यों लगता है, क्योंकि आज के तारीख में जो लिक्विडिटी क्रंच डेवलपर को सहन करना पड़ रहा है, ये लिक्विडिटी क्रंच सेल्फ रीडेवलपमेंट में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ऐसी है कि ये सेल्फ रीडेवलपमेंट में मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और थाने और MMR आगे के डिस्ट्रिक्ट में थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ये बहुत ही सक्षम है ये रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को फिनांस करने को। कोविड के पहले भी वो उतने ही सक्षम थे और कोविड के बाद में वो उतने ही सक्षम रहने वाले हैं। आपके टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 95% फिनांस वो करेंगे एंड दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज जो भी डेवलपर
बैंक में जाता है लोन लेने को तो उसको बहुत हायर रेट पड़ता है, एनीथिंग मोर देन 12-12.5% to 15% उनको देना पड़ता है। मार्केट से जो पैसा उठाएंगे तो कम से कम 18-24% ये आज मार्केट में पर मंथ इंटरेस्ट रेट चालू है। मगर मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक 12.5% और ठाणे डिस्ट्रिक्ट बैंक 10.5% माने 12.5% मुंबई बैंक और 10.5% ठाणे डिस्ट्रिक्ट बैंक अपने को इंटरेस्ट रेट देती है। और जो 13 सितंबर 2019 देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इलेक्शन के पहले, विधानसभा इलेक्शन के पहले जो जीआर लाया है उसमें तो उन्होंने और बोला है कि 4% सब्सिडी विल बी गिवन इनटू दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मुंबई का जो है वो 8.5% पे पड़ेगा और थाना में इट विल बी अराउंड 6.5%। इतने में तो हाउसिंग लोन नहीं मिलता है, इतना सस्ता इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ये बैंक का जो है अपने को सेल्फ रीडेवलपमेंट में फिनेंस देगी। और उस वजह से ये कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड कैश फ्लो अपना चालू रहेगा और ये जो कंस्ट्रक्शन है अपना वो एकदम प्रॉपर चलेगा विदाउट वांट ऑफ फिनेंस, कोई प्रोजेक्ट सेल्फ रीडेवलपमेंट का अटकेगा नहीं। दूसरी चीज, ये जो 13 सितंबर का जीआर जो आ चुका है इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्काउंट्स दे दिए, जो मैंने अभी बात की वो जैसे कि टीडीआर है, जो फंजिबल एफएसआई है, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी है, डेवलपमेंट चार्जेस है, उसमें पहले से जो कटौती की है उसमें और कटौती और डिस्काउंट सेल्फ रीडेवलपमेंट में मिलेगा। देन आगे जो भी पेएबल अमाउंट है वो हमको स्टेजेस में पेमेंट करने को मिलेगी। तो समझो कल आपको 5 करोड़ रुपया भरने को आ गया, दैट टू आफ्टर डिस्काउंट, तो आप 4 हफ्ते में 5 हफ्ते में ये पेमेंट आप भर सकेंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रपोजिशन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और भी इसमें बहुत सारे जो सवलतियां है जैसे कि LUC है, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें भी छूट दे दी है सरकार ने, सब्जेक्ट टू ये जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 बरस में कंप्लीट हो जाए। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट में ये जो जीआर पास किया है, तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जीआर है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है। जैसे ही हम प्लान सबमिट करेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो बोलते हैं कि ये जो एडिशनल FSI 10% एडिशनल FSI ग्रांट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसकी हमको क्लैरिटी नहीं है। और हमको ये जो जीआर है वो गृह निर्माण विभाग हाउसिंग मिनिस्ट्री का है, तो हमको UD अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सर्कुलर लगेगा जिसके बाद में हम करेंगे। बेसिकली ये जो जीआर है ये मंत्रिमंडल के मीटिंग में अप्रूव किया है, इसीलिए ये इसमें तकलीफ आनी नहीं चाहिए, फिर भी ये इम्प्लीमेंट होने में बहुत सारी तकलीफें आ रही है। तो रमेश प्रभु साहब ने भी इसमें बहुत सारा पुढ़ाकार ले लिया, ही हैज टेकन अ बिग इनिशिएटिव, ही हैज फॉर्म ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, और ये एक्सपर्ट लोगों की इनके ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी है और कोर कमिटी ने ये जो जीआर पास हो गया उसके ऊपर बहुत सारे सुझाव दे दिए है और ये जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट को सबमिट हो चुका है। एंड वी हैव रिक्वेस्टेड द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जल्दी से जल्दी ये 13 सितंबर का जीआर इम्प्लीमेंट करो। ये इम्प्लीमेंट होने के बाद सेल्फ रीडेवलपमेंट को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि वो बेनिफिट्स आने के बाद, बेनिफिट्स तो आ चुके हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद सेल्फ रीडेवलपमेंट विल बी द सक्सेस सीक्रेट ऑफ अवर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सोसाइटीज ने सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में लेक्चर्स लेके, ज्ञान लेके, एक पॉजिटिव सोच पकड़ के आगे चलना है। और रिस्क डेवलपर अपॉइंट करने में भी रिस्क है, कल को डेवलपर जो अच्छे डेवलपर है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे डेवलपर है वो बहुत सोच समझ के बहुत सिस्टम से प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे मुंबई और थाना में बहुत सारे ऐसे डेवलपर है कि आज भी हम बोलते हैं कि उन्होंने काम हाथ में ले लिया तो आप आंख बंद करके सो जाओ वो अच्छा काम करेंगे, मगर ये जो जो छोटे छोटे डेवलपर है जो उनका उतना अनुभव नहीं है, उनके पास फिनांसेस नहीं है, उनके पास समझो आपका प्रोजेक्ट गया तो देर आर चांसेस कि ये प्रोजेक्ट अटक सकता है, मगर उनके पास जाने के बाद जो लीगल हैजल्स आज निर्माण होती है और इसमें जो तकलीफें होती है, आज रेरा है, रेरा अपने को बहुत सारा रिलीफ देती है, मगर ये जो अपने लीगल सिस्टम में
देरी होती है वो डेवलपर को देखे भी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है, मैं नकार नहीं सकता हूँ। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में थोड़ा हम एक पॉजिटिव अप्रोच से सोच लेंगे, थोड़ी लालच हम कम रखेंगे कि हमको इतने परसेंट से भले 5% कम भी मिले तो भी अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सोसाइटी वाले 5% मुनाफा कम ले लेंगे तो वो प्रोजेक्ट में एक मार्जिन रहेगा जिससे हम 2 रुपया 5-10% जो कम में भाव बेचेंगे, फ्लैट बेचेंगे, तो बाकी कंपेयर टू डेवलपर फ्लैट सेल्फ रिडेवलपमेंट के फ्लैट जल्दी बिक सकते हैं। ये डेवलपर भी पॉलिसी अपना सकते हैं, वैसे सेल्फ रिडेवलपमेंट भी हम एक अच्छा रेट मार्केट में लाएंगे तो सेल्फ रिडेवलपमेंट में फ्लैट बिकने में बहुत आसानी है। दूसरी सेल्फ रिडेवलपमेंट में एक बहुत फायदेमंद चीज है कि अपने ही लोगों को हम थोड़ा ज्यादा रेट में डिस्काउंट दे देंगे तो मैंने ऐसा देखा है 40-50% जो सेल कंपोनेंट है वो इंटरनल सोसाइटी के मेंबर, उनके रिलेटिव और उनके दोस्त सर्कल में ही फ्लैट बिक जाते हैं, जिससे अपने को एक कैपिटल खड़ा करने में आसानी होती है, उतना लोन बैंक से अपने को कम लेना पड़ता है। तो ये भी सेल्फ रिडेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी उसकी फायदे है और हमको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो COVID-19 की एक सिचुएशन पैदा हो गई है, ऐसे सोचो कि हम 1 महीना ट्रिप को गए थे, पिकनिक को गए थे और उसके आने के बाद हम काम पे लगे हुए हैं, या 1-2 महीना हमको सैलरी नहीं मिली, तो छोटे लोग जो है, जो मजदूर है कि जो आज कमा के आज खाते, उनके लिए तो ये बड़ा तकलीफ का समय है। मगर बहुत सारे मध्यम वर्गीय लोगों पे समझो 1-2 महीने का पगार नहीं मिला तो ऐसी चीज नहीं है कि उनके खाने के वांदे हो जाएंगे। तो एकदम से पैनिक होने की ये सिचुएशन मुझे लगती नहीं है। मराठी में ज्याला म्हणतात की हा एक स्वल्प विराम आहे किंवा एक अल्प विराम आहे, हा पूर्ण विराम नाही आहे। दिस इज नॉट द फुल स्टॉप टू द सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्री, दिस इज आई वुड से अ कॉमा और अ कोलन और अ सेमी कोलन और अ स्टॉप, विश्राम है इंडस्ट्री में। और जैसे सुनील शर्मा जी ने बताया कि रतन टाटा जी ने बताया, अभी ये तो इतने बड़े महर्षि है, लिविंग लीजेंड, कि ये जो बरस है 2020 दिस इज कि हम जी लेंगे, ओके, सो दिस इज टू सर्वाइव, दिस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। सो सबसे हम पहले सर्वाइवल देखेंगे और ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा चिंता नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आएंगे। अभी आप देखेंगे कि गए 100 बरस में COVID-19 ये सबसे बड़ी दुर्घटना है या सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए चुनौती है, तो मुझे लगता है नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो थी। आपने देखा होगा कि जो दोनों जो पार्टीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो दोनों पार्टीज ने इतने हेवी बॉम्बिंग एक दूसरे के शहरों पे किए थे, तो इनकी इतनी इमारतें गिरी हुई थी, इतने रोड सड़कें टूटी थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिखर चुका था, इतने लोग मर चुके थे, और ये 2-4 महीना नहीं तो 5 बरस ये दूसरा महायुद्ध चालू था, जिसमें कोई भी अदर इंडस्ट्री चालू नहीं थी। इंडस्ट्रीज दोज वर सपोर्टिंग ओनली वर्ल्ड वॉर मैन्युफैक्चरिंग थिंग, वही इंडस्ट्री चालू थी और उनको जितना चाहिए उतना पगार भी वो समय मिलता नहीं था। तो उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो जर्मनी देखो, फ्रांस देखो, इंग्लैंड देखो, जापान देखो, या कोई भी यूरोपियन और अमेरिकन देश जो है, उन्होंने ये वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो सब चुनौतियां थी उसके ऊपर यशस्वी मुकाबला करके आज वो सब देश एक प्रगत इकोनॉमी है। और उसके बाद उन्होंने न कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइव किया, मजबूत किया, मगर उनके जो भी हेरिटेज थे, ओके, जैसे हेरिटेज बिल्डिंग्स थी, पैलेसेस थे, वो भी उन्होंने पूरे रिस्टोर किए, उसके ऊपर भी उन्होंने खर्चा किया, और उनकी जो धरोहर थी, संस्कृति, उनको भी उन्होंने रिपेयर करके आज वो देश पूरी जगत में पहले 5 देश में हम गिनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जापान ने फिनिक्स पक्षी की तरह भरारी लेके उनकी इकोनॉमी पूरे देश में, पूरे जगत में ऊंचे पर लेके रखी, तो वैसे ही हम जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे, अभी थोड़ा अपने लिए सोचने की बात है, हमको हमारे में क्या बदलाव लाना है, तो हमको बहुत सारा काम करना है,
हमको ये नहीं करना है कि ये काम ऑफिस में मेरा नहीं है, वो प्यून का काम है, ये जो है वो कचरा डालेगा। तो जो प्रदेश में हम जाके देखेंगे तो प्रदेश में प्यून जो फोर्थ ग्रेड वर्कर्स है वो कम रहते हैं। तो हम खुद जाके अपनी चाय बनाएंगे, हम खुद जाके अपना डेस्क साफ करेंगे, उसका काम कम करेंगे, जिससे ये जो एडिशनल एक्सपेंस है वो कम हो जाएंगे। हम हमारा भी काम जो है वो दिए हुए टाइम में करेंगे। समझो 7 दिन का टाइम दिया है तो कोशिश करेंगे कि हम 5 घंटे में ये कैसा काम करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि बहुत जगह लोग सरकारी अफसर में पहले रहता था, आज उतना कम हो गया है। सरकारी अफसर में जैसे ऑफिस में लोग जाते थे तो पहले घंटे भर में आज क्या डब्बे में लाया है उसकी चर्चा, बाद में 1 घंटा काम करो, बाद में लंच टाइम बढ़ा, बाद में चाय आ गया, बाद में घर जाने को, तो 8 घंटे में खाली 2-4 घंटा टाइम होता था, ऐसे लोग बोलते थे। मगर आज भी सरकारी काम बहुत एफिशिएंट हो चुका है, उसको और एफिशिएंट करना है। तो सरकारी आस्थापना, प्राइवेट आस्थापना, जो कंसल्टेंट लोग हैं, इनके सब लोगों ने, सब वर्कर ने, हर एक नागरिक ने सोचना है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे में आनी चाहिए। हम रस्ते पे भी कचरा कम करेंगे तो वो जो सफाई वाला आदमी है उसका काम 1 घंटा जल्दी खत्म होगा, तो 1 घंटा वो ज्यादा एफिशिएंसी दे पाएगा। तो हम सब लोग मेहनत करके हमारे कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से देंगे तो हम खुद मुनाफा कमाएंगे, अपनी कंपनी मुनाफा कमाएगी और अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होके अपना देश जो ज्यादा मुनाफा कमाएगा वो पैसा हमारे इकोनॉमी में आएगा, लिक्विडिटी में आएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जिसके देश को फायदा होगा। तो मुझे लगता है हम सब सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिव सोच से आगे जाएंगे तो जल्दी से जल्दी ये COVID-19 की जो सिचुएशन है, एक तो है कि हम तंदुरुस्त कैसे हो जाएंगे और दूसरी अपनी इकोनॉमी तंदुरुस्त कैसे करेंगे। तो जो अपनी खुद की जो हेल्थ है, सो स्टे होम स्टे सेफ, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर जो आज ये लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं, जो अपने देश के सोल्जर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने प्रधानमंत्री है उनकी पूरी टीम, स्टेट गवर्नमेंट में अपने चीफ मिनिस्टर है उद्धव जी उनकी पूरी टीम, सब डॉक्टर्स, सब इमरजेंसी जो आस्थापने हैं उनके वर्कर्स, ऑफिसर्स, सफाई कामगार और सबसे बड़ा पुलिस, अपनी जान जोखिम में डाल के ये सब अपने लिए काम कर रहे हैं। जब भी वो उनकी जान जोखिम में डाल के कर रहे हैं तो हम घर में रह के कम से कम उनका काम ये लॉकडाउन में कम करेंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद हम सब लोग एक दिल एक जान से कम पॉलिटिक्स में ध्यान दे के जैसे पॉजिटिव, क्योंकि क्या हो रहा है आज हम देख रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे इतना पॉलिटिक्स डिस्कस हो रहा है कि लोगों में फूट पड़ रही है कि एक एक पार्टी को गाली दे रहा है, दूसरा दूसरा पार्टी को गाली दे रहा है। तो ये कम से कम पॉलिटिक्स पे ध्यान देके हम अपने देश के फायदे के लिए एकजुट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक दिशा में आगे जाए, तो मुझे लगता है ये कोविड पे और ये इकोनॉमी और रिसेशन पे हम मिलजुल के जल्द से जल्द हम मात कर लेंगे और यशस्वी होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुकुंद जी, धन्यवाद बहुत। आपने पूरा डिटेल विस्तार से बताया किस तरह से हॉल होंगे COVID-19 के, एकदम एक एक पॉइंट्स को आपने रखा और बड़े ही महत्वपूर्ण पॉइंट से, और आप रूबरू भी कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने बताया क्या होगा, लेबर्स जो बाहर जाएंगे वो लेबर्स नहीं मिलेंगे, और मैं आपको बता दूं किस तरह से हमको डिसिप्लिन रखना चाहिए। उन्होंने भी बात बोली कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात जरूरी है और इस COVID-19 को फाइट देना है तो ये आज 1 महीना या 2 महीने की बात थी। WHO भी जैसे बोल रहा है कि ये आने वाले दिनों में जो 18 महीने तक जाएगा, करीबन सेप्टेम्बर नवम्बर तक वैक्सीन बन के उसका डिस्ट्रीब्यूशन नवंबर दिसंबर तक, इस तरह की जो बातें चल रही दोस्तों, और जिसमें जो सुपर पावर कहा जाता अमेरिका वो भी अछूता नहीं है, सबसे बड़ा दुनिया का वर्ल्ड का हॉटस्पॉट है, 12 लाख करीबन COVID-19 के पेशेंट, जिसमें से लगभग कल ही मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि लगभग 1 लाख जाएगा, 68,000 पेशेंट COVID-19 के जो ऑफ हो गए, मौतें हुई है COVID-19 की अमेरिका में दोस्तों, और वो देख रहा है किस तरह से हम इकोनॉमिक को बढ़ा सकते हैं, इसलिए लॉकडाउन इतना नहीं है वहां पर। लेकिन हमारे जो देश के मुखिया, उन्होंने जनता की जान की परवाह करते हुए लॉकडाउन को सही टाइम पे किया,
और आज हम बहुत अच्छी दिशा में है, निर्देश में है, अच्छी स्थिति में है। ओवरऑल यदि दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो ये तो जान बच गई, जान है तो जहान है, तो हम इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में भी आगे अव्वल आएंगे, ऐसी पॉजिटिव उम्मीद है हमारी। दोस्तों मुकुंद जी आपको बता दूं, विनोद मित्तल जी फेसबुक पे जो देख रहे हैं, हमारे पार्टिसिपेट तमाम देख रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, सवाल भी लेंगे, तो विनोद मित्तल जी ने गुड इंसेंटिव सर जी बताया है, और हरिराम चौधरी जी ने बताया इट इज इंफॉर्मेटिव। आपकी लाइव चल रहा है ये कॉन्फ्रेंस, आपका जो पूरा ओवरऑल स्पीच चला, इसको प्रेजेंटेशन चला, वो लाइव फेसबुक पे चल रहा है, और रमेश प्रभु जी की मेरी आईडी पर, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये इस तरह से इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल क्या होगा हाल COVID-19 के बाद रियल एस्टेट का, सेल्फ रिडेवलपमेंट का, रिडेवलपमेंट का, तो आप इससे इंफॉर्मेटिव जानकारी आप ले सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत आती है तो हमारे महासेवा के लोग आपकी मदद करेंगे। अब मुकुंद गोडबोले जी भी आपकी मदद कर सकते हैं, आपके कुछ सवाल हो फेसबुक पे जो तमाम देख रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं रियल एस्टेट के बारे में और सेल्फ रिडेवलपमेंट और रिडेवलपमेंट के बारे में दोस्तों। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले चैट बॉक्स में चार पांच क्वेश्चन है ऑलरेडी, मैं लेता हूँ बिल्कुल। मुकुंद जी जैसे बहुत देर से स्पीच दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उनको एक शारीरिक वो भी तो रिलैक्स के मूड में हो, थोड़ा पानी वानी पी ले, तो एक उसके बाद सवाल जवाब लेंगे। मुकुंद जी अभी मैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है फार्म टू होम महासेवा का, रमेश प्रभु जी का ये संकल्पना है, प्रण लिया उन्होंने, तो मैं शॉर्ट में उनको इनवाइट करूंगा, जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई है किसानों के जो खेतों से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके घरों में मिलेगा, उपभोक्ता के लोगों पर हाउसिंग सोसाइटी के घरों में मिले, इस तरह का एक छोटा सा प्रयास है, और इस प्रयास का लॉन्चिंग, इस एप्लीकेशन की लॉन्चिंग चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे तो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर मिनिस्टर सुभाष देसाई जी को पहुंचाया और शुभकामना दी, अनिल देसाई जी ने और सुभाष देसाई जी जो सीनियर मिनिस्टर उद्योग मंत्री है उन्होंने शुभकामना दी, वो तो दिखाएंगे। पहले मैं इनवाइट करूंगा शीतल नाथू जी ने, जो इनकी संरचना की है फार्म टू होम की। शीतल नाथू जी पूना से जुड़ी हुई है, शीतल नाथू जी नहीं हो? यस यस शीतल जी, यस यस यस, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। आप बताइए शॉर्ट में कि फार्म टू होम किस तरह से संकल्पना करता है, और फिर हम एक छोटा सा जो शुभकामना दिया है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी की तरफ से सुभाष देसाई जी ने, वो दिखाएंगे। आप बताइए, वेलकम। पहले तो शुक्रिया आपका, और ये पूरी संकल्पना प्रभु सर की ही है। जैसे उन्होंने कोविड का वॉर शुरू किया 1.5-2 महीने पहले, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि इस बारे में, जैसे इसेंशियल कमोडिटी के बारे में हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो क्योंकि हम आईटी से जुड़े हुए हैं और उनके लिए पहले भी 1-2 एप्लीकेशन कर चुकी हूँ, तो जैसे वन ऑफ माय इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज अबाउट सेल्फ रीडेवलपमेंट, तो मुझे ये आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट आर एप्लीकेशन व्हिच इज फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, आप हमें जरूर कुछ समय दे तो मैं वो भी कभी दिखा दूंगी। उसके बाद एक रेरा का एप्लीकेशन किया था जिसके लिए हमें CII के लिए अवार्ड भी मिला है, CII इज कॉन्फिगरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, वहां से हमें बेस्ट इनोवेटिव सॉफ्टवेयर का अवार्ड मिला है। तभी उसी दौरान सर ने कहा कि आप इस इसेंशियल कमोडिटीज के लिए कुछ करें, तो हमने, हमारा एक्सपीरियंस था ई कॉमर्स के ऊपर, तो झटपट हमने कुछ एक प्रोटोटाइप बनाया जो सर को बहुत पसंद आया, हमने बहुत सारे डिग्निटरीज को वो सर्कुलेट किया, दिखाया, एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट, तो उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा ये बहुत ही हॉट डिमांड होगा या तो फिर बर्निंग नीड है आज की, तो अभी मैं बताती हूँ वो कॉन्सेप्ट करेगा क्या। जैसे एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप बाइंग करते हो, लाइक एवरी ग्राहक बाइंग करता है, वैसे आपको बाइंग करना है, बट सोसाइटी का वो टोटल बन के, बिकॉज एवरी पर्सन स्टेज इन अ सोसाइटी, तो हर एक सोसाइटी का वो अपने आप एक बल्क ऑर्डर का जनरेशन हो जाता है, उस बल्क ऑर्डर को हम एरिया से भी करीब करीब 2-4 सोसाइटीज को लेके एरिया बनाते हैं और वो हम फार्मर्स तक पहुंचाते हैं, ताकि वो 1-1.5 टन का स्मॉल वैन वगैरह वहां पे प्रोवाइड कर सके, तो ये हुआ फार्मर्स सोसाइटी से जुड़ पाएगा।
अभी उसमें थोड़ा सा हमने तब्दील ऐसी करी है कि फार्मर्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब बहुत बढ़ गया है, तो अगर उनको 60 टन गाड़ी लाना है, मीन्स एक छोटा बड़ा आइस्टर जैसी गाड़ी लानी है, देन हमें थोड़ा सा बड़ा एरिया का सोच करना होगा. सो उसके कारण हम जैसे वार्ड में जाके वहाँ पे कहीं पे वी आर लुकिंग इनटू द लॉजिस्टिक्स के वहाँ पे हम उतार के लोकल डिस्ट्रीब्यूशन करें. बट द कॉन्सेप्ट इज कि हर घर में यू नो इसेंशियल कमोडिटीज पहुँचे. टू बिगिन विथ हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी इस एप्लीकेशन से सुविधा होगी. द एप्लीकेशन्स नेम इज farm2home.online. अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एवरी सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड एंड आपने आपका सोसाइटी रजिस्टर करके लेना है. वंस द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड तो आपके जो मेंबर्स हैं लाइक 50, 100 व्हाटएवर मेंबर्स आर देयर, दे कैन कम इन पिक अप द सोसाइटी एंड गेट इनटू द एप्लीकेशन एंड डू देयर शॉपिंग. इट इज एज सिंपल एज दैट. या तो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस फॉर दैट. और इस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट इज लाइक COD भी है और ऑनलाइन डिजिटल भी है, बट वी रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो फॉर डिजिटल पेमेंट. और एक फाइनल बात, इससे फार्म सेवक करके एक बहुत बड़ी संगठना इज इन्वॉल्व. नाउ दिस फार्म सेवक इज एन NGO. दे आर ऑल द पीपल लाइक अस हु वांट टू हेल्प यू नो ब्रिज द गैप बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर. दिस इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव इनोवेटिव बिजनेस मैकेनिज्म. तो आपकी यहाँ पे बहुत सारी सहायता लगेगी कि आप आइदर हमें फार्म सेवक करके ज्वाइन करें. इसमें भी यू नो आप ग्राहक के साइड का काम करना चाहते हैं यानी सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज ग्राहक सेवक. अगर फार्मर्स के साइड से आपका कोई रिलेटिव है या आप फार्मर कम्युनिटी से आते हैं, आपके पास कुछ घर पे यू नो बैक होम आपके पास कुछ खेती वगैरह है, तो आप हमें प्रोड्यूस है और आपकी यू नो नेटवर्क है, तो आप हमें फार्म सेवक करके ज्वाइन कर ले. एंड वी रिक्वेस्ट एंड प्लीड एज मेनी एज पीपल कैन ज्वाइन विद अस. सुनील जी, आप वो छोटा सा AV है वो दिखा दे तो थिंग्स विल गेट मोर क्लियर. बिल्कुल बिल्कुल. मिस्टर विशाल बामने हमारे सहयोगी, यस ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर फार्म टू होम. आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग लिंक बिटवीन द फार्मर्स अँड कंज्युमर्स. जे APMC आहे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे, तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात आणि त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं किंवा इतर काही अडचणीमुळे 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेवा मिळायला थोडासा वेळ लागतोय. परंतु आपण ह्या ज्या गोष्टी आता करतायत की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला कंज्युमरला त्याच्या दारापाशी मिळणार नसेल, तर त्याच्यासाठी गरज होती ती असोसिएशनची किंवा फेडरेशनची. ही गरज तुम्ही पूर्ण केलेली आहे. तुमची फेडरेशन याच्यात उतरल्यामुळे मी या हाउसिंग फेडरेशनला मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही याचा पुढाकार घेतला म्हणून CA रमेश प्रभू तुमचे पण आभार. आणि त्याचबरोबरीनं महासेवा आणि इतर ह्या यंत्रणा आहेत या सगळ्या आलेल्या आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले, तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातलेलं आहे, अभिनव घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते याच्यात उतरलेले आहेत. या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये काही वस्तू मिळण्याच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत, तर त्यांच्या दारापर्यंत हा जर ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये, तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल. आणि त्यामुळे ह्या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य साधा. आपण सर्वजण आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत, आम्हाला आनंद होईल. सर एकच मिनिट मी आपल्याला सांगतो. आमच्याकडे सर विषय असा आहे शेतकऱ्यांचा
आता गेले 8 दिवसापासून आम्ही शेतकऱ्यांचा फेडरेशन बरोबर जोडलेलो आहोत. जवळपास डॉक्टर संजय पटारे सुद्धा इथे आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास 700 वेगवेगळ्या फार्मर प्रोड्युसर सोसायटीचं करत आहेत. ते ऍडवायझर म्हणून IMF आणि इव्हन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रला पण लाभलेले आहेत. तर अडचण एकच आहे, त्या आपल्याकडून दूर होण्यासारखं आहे. शेतकऱ्यांचा जे माल काढतायत ते गाडी भरून, तर पोलीस नाकेवर थांबवतात. तर आम्ही त्यांना आमच्याकडून पत्र देऊ, त्यांना आम्ही पूर्णपणे सांगू आणि जे काय आमचं यापमधून बिल वगैरे निर्माण होणार आहे, पैसे दिलेले आहे, हे सर्व आम्ही त्यांना पूर्णता देऊ. तेव्हा पोलिसांनी त्याला न अडवता, त्या कलेक्टरनी त्याला न अडवता आपल्याला करावं लागेल सर. त्यांना आम्ही आयकार्ड देऊ, त्यांना पूर्णपणे कागदपत्र देऊ सर. मी सांगतो आमच्या बाबतीत काय केलं पाहिजे. येस सर. आपला आपला जिथून शेतमाल येणार आहे ती जिल्हे आणि ती जे ठिकाण तालुके तुम्ही सांगितले, तर आम्ही शासनाच्या पातळीवरून त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क करू आणि त्यांना त्याची नावं देऊ की हे हे लोक आहेत, यांचा शेतमाल येणार आहे, मुंबईमध्ये असेल, नवी मुंबई असेल, ठाणे असेल, या ठिकाणी आपल्याला गाडी नंबर देता आले तर फारच उत्तम. गाडी नंबर देऊ, गाडी नंबर देऊ, ड्रायव्हरचं नाव पण देऊ. एवढं जर तपशील मिळाला तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना नक्कीच त्या ठिकाणी सूचना देऊ की अशा प्रकारची वाहन जे शेतमाल घेऊन येत आहे त्या सगळ्यांना तुम्ही परवानगी द्यायची आहे. त्यामुळे जो तपशील आहे तो आपण आपल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनी मिळवा आणि हा एका ठिकाणी आपण गोळा करून त्याचं जर कॉर्डिनेशन इथून मुंबईतून केलं, मला वाटतं या गोष्टी सोप्या आहेत, सहज होतील. तो देखा आपने, महाराष्ट्र के सीनियर मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के मंत्रिमंडल के सीनियर मिनिस्टर श्री सुभाष देसाई जी ने किस तरह से कहा कि एक दिलासा देगा उन फार्मर्स को, उन उपभोक्ताओं को. ये जो फार्म टू होम का जो पहले कॉन्सेप्ट है और ये अभी आज शुरुआत हुई दोस्तों, तो इस शुरुआत में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम तमाम जो NGO है और हमारे जो महासेवक है, दूसरे जो NGO है, रोटरी क्लब हो या दूसरे किस प्रकार से NGO जुड़ सकते हैं, आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से जुड़ सकते हैं, ऐसी अपील कर रहे हैं हमारे चेयरमैन रमेश प्रभु जी और तमाम शीतल नाथू जी अपील कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े इस एप्लीकेशन को. आज ये पहल हुई है, ये फार्मर्स को तो मदद करेगा, उनको उनकी जो हक की है, उन्होंने जो उपजाए हैं फसल उनको तो अच्छा रेट मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को कम थोड़ा सा कम प्राइस में इसको सहूलियत मिलेगी. तो इस तरह की पहल और ताजी और फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट तमाम चीजें मिलेगी दोस्तों, इस तरह की पहल है ये, इसमें तमाम जो फार्मर्स है वो जुड़े हुए हैं. मैं आगे बढ़ते हुए शीतल नाथू जी, हाँ सुनील जी, यस यस, और कुछ आपको बताना, कुछ AV वगैरह दिखाना आप बता रही थी ये तो. हाँ यस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसकी कैसे शुरुआत हुई वो वीडियो आपने शायद बनाया तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे. हाँ जी, हाँ जी, यस. March 23, 2020 संपूर्ण भारतात लॉकडाऊनची घोषणा. 15 एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता. पनवेल मार्केट यार्ड, पुणे यार्ड मार्केट यार्ड बंद. फळे पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही. शेतात शेतीमाल तयार होतो पण तो नेता येत नाही. तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही अशी परिस्थिती. यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे. यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला. त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला. 15 दिवस रात्र मेहनत करून अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला.
या दुव्या दौऱ्यात शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो. घर बसल्या एका ॲपद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात. या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते. तो त्या मागणीची बाजारभाव व लागणाऱ्या गाडीची व्यवस्था व टोटल किती माल आहे ह्याचे एकत्रितपणे वर्गवारी करून ती यादी शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. सोसायटीवार आलेली हे वर्गीकरण मालाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांना अत्यंत सोयीचे पडते. दुसऱ्या दिवशी सोसायटीमध्ये जाऊन या मालाची डिलिव्हरी करता येते. माल जेव्हा ग्राहकांना पोचतो तेव्हा ते सेम ॲपद्वारे ओके म्हणल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे लगेच ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीने सुपूर्त केले जातात. काही दिवसांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. आंबे, द्राक्ष, कलिंगड, फळभाज्या यांची विक्री पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी सुरू होत आहे. अधिकाधिक सोसायटी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. योग्य बाजारभाव, संपूर्ण पारदर्शकता व संपूर्ण मालाचे वितरणाची हमी देणारा हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. तर मग गड्यांनो, वाट कसली बघताय? आजच फोन करा आणि काम सुरू करा. लगेचच काम सुरू करणं महत्त्वाचं आहे आणि आम्ही आहोतच की मदत करायला. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. और मुंबई और महाराष्ट्र के तमाम लोगों को एक पहल फार्म टू होम का कॉन्सेप्ट दोस्तों देखेंगे आपने इसमें देखा होगा. ये जो कॉन्सेप्ट है, नीचे तमाम लोगों हैं वो लोगों फार्मर्स जो प्रोड्यूस कंपनी उनके हैं जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं. तमाम जो एनजीओ अलग अलग क्षेत्र में पूना के, थाना के, मुंबई के तमाम जो एनजीओ है और फेडरेशन के लोग हैं वो लोग जुड़े हुए हैं और जोड़ के हाउसिंग में डायरेक्ट हाउसिंग सोसाइटी को कनेक्ट कर रहे हैं फार्मर से इस एप्लीकेशन के माध्यम से. शीतल नाथू जी की अच्छी पहल है, प्रभु सर की एक संकल्पना है तो एक अच्छी पहल की शुरुआत हुई है. तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े. आप शीतल नाथू जी से रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स में अपना डिटेल, अपने नंबर्स वगैरह, मेल आईडी डाल दें ताकि अपने जितने पार्टिसिपेट लोग जुड़े हुए हैं वो संपर्क कर सके. फेसबुक पे जो लोग जुड़े हुए हैं कृपया अपने नाम और नंबर के साथ में हमें मैसेज करें फेसबुक पर ताकि हम आपके आपसे संपर्क कर सके इस फार्म टू होम के लिए आपसे. या आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप फेसबुक के नीचे जाके कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं ताकि हमें आपका एक अमूल्य सुझाव और आपकी वो फीडबैक मिल सके. दोस्तों धन्यवाद शीतल नाथू जी आपका. मैं आगे बढ़ता हूं इस कॉन्फ्रेंस का. जैसे आज हमारा COVID-19 के बाद रियल इस्टेट के क्या हाल होंगे, सेल्फ रीडेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, रीडेवलपमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुंबई के आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले जी. मुकुंद गोडबोले जी नमस्ते. यस सर. तो थोड़ा रिलैक्स भी हो गया आपको और अब हम थोड़ा चलते हैं चैट बॉक्स में जो लोगों ने सवाल किए हैं मुकुंद जी उसको वन बाय वन लेते हैं. मुकुंद जी, मैं रमेश प्रभु बोल रहा हूँ. आपने बहुत अच्छा शुरुआत से किस तरह से कोविड का इफेक्ट होगा और किस तरह से हाउसिंग सोसाइटी वाले ने अपना जो भी इंटरेस्ट है उसको कम करना चाहिए यदि रीडेवलपमेंट होना है. तो मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा. देखिए, बहुत सारा बिल्डर का रीडेवलपमेंट रुका हुआ है और उनके पास अभी जो इनकम है वो नहीं है, फिर भी वो काम करना चाहते हैं. लेकिन हाउसिंग सोसाइटी वाले ये भी तान बैठ के कि हमारा रेंट मिलना चाहिए. तो यदि रेंट नहीं मिलता है तो क्या उनको बिल्डर को काम करने को देना चाहिए या उनका एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहिए? ओके सर, एग्रीमेंट कैंसिल करना इतना आसान आज के तारीख में है नहीं. तो दोनों जन को एक एक पांव आगे आके, भले 4-6 महीने में बांधकाम कंप्लीट होने वाला है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन डेवलपर को देंगे कि चलो आगे के 6 महीना तुम रेंट मत दे दो, मगर किसी भी हालत में 6 महीने में परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट ये देंगे, मगर ये 6 महीने में बांधकाम कंप्लीट करो तो हम हमारे घर में रहने को जाएंगे. और जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी आती है, वायबिलिटी आती है, प्रॉफिट कमाता है डेवलपर, तो डेवलपर बाद में वो रेंट कॉम्पनसेट कर सकता है. ये एक इसमें ऑप्शन होता है. नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मैं लोगों को बोलता हूँ सर जाने दो, थोड़ा खर्चा आपका हो जाएगा,
मगर आप जो आप रेंटेड प्रीमाइसेस में बाहर अटक चुके हो अनफॉर्चुनेटली, वो कम से कम आज आपके घर में जाओगे तो एक एक पांव आप कोऑपरेशन का आगे आ जाओ और एटलीस्ट वील एंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। चीज एक ही है कि डेवलपर ने वो जुबान देके वो बांधकाम कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज वी नीड टू प्रेशराइज द डेवलपर टू टेक सम जॉइंट वेंचर पार्टनर सो लिक्विडिटी कम्स इनटू प्रोजेक्ट एंड देन द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स बिकॉज द कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज इसमें है कि समझो 50 मेंबर है सोसाइटी के और उसमें 10-20 जन है जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीकर है या दे आर नॉट इन पोजिशन टू शेल आउट एक्सपेंसेस, तो कम से कम वो 10 जन को भाड़ा पहले दे देंगे और जो खुद के घर में दूसरे रह रहे उनको भाड़ा किसी को देने को नहीं पड़ रहा है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है लोगों का एक सेकंड हाउस वही सिटी में होता है या वो लड़के के घर में जाके रह सकते हैं तो उनको बाद में भी रेंट मिलेगा तो भी चल सकता है। तो एक कुछ ना कुछ तो इसमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। सर ऐसा है आज COVID-19 आने का पहला लगभग मुंबई में 5,800 प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड हो चुका है MMR रीजन में जो रीडेवलपमेंट में लिया था और अलग अलग जगह में है, कुछ हाईकोर्ट में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ SRA में है, कुछ हजार एक प्रोजेक्ट रेरा में अटका हुआ है। तो यदि COVID-19 होने के बाद इसका हालत और खराब हुआ है, तो जब इतना हालत खराब हुआ है, पहले ही खराब था अभी और खराब हुआ है, तो आप हाउसिंग सोसाइटी या जो लिटिगेशन कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देंगे? सर ये लिटिगेशन क्यों होता है? एक तो डेवलपर कुछ तो गड़बड़ करता है या सोसाइटी कुछ तो गड़बड़ करती है, तो दोनों को लगता है कि हम सही है तो कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे आर्बिट्रेटर होते हैं तो ऑथराइज आर्बिट्रेटर होने से पहले समझो कोई एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है, अभी प्रभु साहब आप ही है इसमें जो आपको अनुभव है, तो दो सोसाइटी वो डेवलपर जो रिकनसाइलिंग कमिटीज फॉर्म की है जैसे SROs है, जैसे MCHI है, नरेडको है, बाई है, बिल्डर्स एसोसिएशन है, दे हैव देयर एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स, तो ऐसे कंसल्टेंट लोगों के साथ बैठ के समझो एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकाल दे और कोर्ट के मैटर से बाहर आ जावे, कंसेंट टर्म फाइल करके समझो उसमें बाहर आ जावे और जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर लेवे तो ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकती है। मगर हमारे भी प्रोजेक्ट, जहाँ मैं भी आर्किटेक्ट PMC हूँ, ऐसे भी प्रोजेक्ट आज भी स्टॉल्ड है ड्यू टू वेरियस रीजंस जिसके सॉल्यूशन नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं डेवलपर कहीं तो अटक चुका है और वो हमारी बात नहीं सुन रहा है या कहीं सोसाइटी बात नहीं सुन रही है या दोनों लग टेबल पे नहीं आ रहे और ये सब अटक चुका है। इसीलिए प्रोजेक्ट कैसा कंप्लीट हो जाए, कंस्ट्रक्शन कैसा कंप्लीट हो जाए, ये हमको देख के कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाल के 2% समझो कम एरिया मिल गया, थोड़ा कॉर्पस कम मिल गया, तो भी इन डिफिकल्ट टाइम्स वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज एंड इंश्योर कि अपना प्रोजेक्ट कैसा कंप्लीट हो। बिकॉज आज के तारीख में जो फ्लैट की कीमत 1.5-2-3 crore होनी है जिनकी कीमत 0 है क्योंकि वो इमारत गिर चुकी है, कंस्ट्रक्शन हाफ कंप्लीटेड है और वो भाड़े के घर में है, तो आज उनकी कैपिटल वैल्यू क्या है? 0 है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, पोजेशन लेंगे, तो कम से कम जो मुंबई के बाहर के फ्लैट है उनकी 1.5-2 crore उनकी वैल्यू हाथ में आ जाएगी और मुंबई में तो 2-5-6-7 crore जितना लोकेशन है और जितना फ्लैट बड़ा है तो उसकी कैपिटल वैल्यू रियलाइज होगी। तो लोगों को जो है वो झगड़े कम से कम करके कोर्ट में न जाके जितना एमिकेबली सॉल्यूशन हो निकले। और जैसे इवन MSW है तो MSW तो इतने क्षेत्र में लोगों को मार्गदर्शन करता है तो उनको भी समझो इसमें SRO तरीके से इन्वॉल्व करेंगे और उनका मार्गदर्शन लेके आगे जाएंगे तो भी इसमें हल निकल सकता है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद जी। मुझे इतना ही लगता है कि लोगों को जो भी है उनको समझना चाहिए, 2 साल के अंदर यदि घर भी मिल जाता है और 2 साल के बाद रियल एस्टेट का वैल्यू इतना बढ़ जाएगा तो अपना हाथ में कीमती वस्तु आ सकता है। ये छोटा भाड़े के पीछे लग के आप तो भाड़ा और बिल्डिंग शुरू करने को नहीं देंगे, ये लिटिगेशन में जाते तो मुझे लगता है 2-5 साल ऐसे ही चला जाएगा, फिर जो घर है जैसा आपने बताया वो नेगेटिव वैल्यू जा सकता है।
तो मैं लोगों को आपका ये माध्यम से आमंत्रित करूंगा या आह्वान करूंगा कि बिल्डर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़िए, और यदि कोई सलाह चाहिए, कोई आपको मार्गदर्शन चाहिए, जैसा मुकुंद गोडबोले ने बताया, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महासेवा में, महासेवा मुकुंद गोडबोले या बाकी के अन्य लोग जिसको हमने एक मारेरा के माध्यम से एक कमिटी बनाया, स्टडी ग्रुप बनाया, उसके माध्यम से आपको पूरी सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे जो कि आपका घर बने, वो हमारा सबका एक इच्छा रहेगी। धन्यवाद मुकुंद जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छे तरह से लोगों को मार्गदर्शन किया। ये सभी चैट बॉक्स में जो सवाल है आप लीजिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु सर। यस मुकुंद जी, चैट बॉक्स में जो जरूरी है और जो जिनके जवाब दे चुके वो तो नहीं, लेकिन जिनके देना है वो बताइए जरा। चैट बॉक्स में एक चीज आ गई है कि प्रीकास्ट मटेरियल कितना इस्तेमाल हो सकता है, तो डेफिनेटली हम प्रीकास्ट मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना जो प्रीकास्ट मैन्युफैक्चरर्स है मटेरियल के, तो इनकी पहली जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे जो इंडस्ट्री है जिसमें अभी तक ज्यादा प्रीकास्ट का इस्तेमाल होता नहीं है, तो थोड़ा अवेयरनेस पहले क्रिएट करना चाहिए। दूसरी चीज है जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है, तो कैन वी यूज दी फ्लाई ऐश ब्रिक्स, तो डेफिनेटली वी कैन यूज फ्लाई ऐश ब्रिक्स। आज हम देखेंगे तो सीपोरेक्स मटेरियल या एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स है, तो उसमें भी फ्लाई ऐश बहुत सारे परसेंटेज में इस्तेमाल होती है, तो डेफिनेटली फ्लाई ऐश ब्रिक्स इज अ गुड प्रपोजिशन। वो अच्छा इंसुलेशन का भी काम करती है, यूजर फ्रेंडली भी है, और आज जो फ्लाई ऐश जितने भी कोल प्रोजेक्ट में से या पावर प्लांट में से जो निकल रही है, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी है, तो वो इस्तेमाल होके इट इज नॉट अ डेड स्टॉक, कि वो पर्यावरण की हानि ना करेंगे, अच्छे काम में इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन गेट इनटू दैट। ये जो प्री फैब्रिकेटेड ब्रिक्स है, ये सस्ती है या महंगी है? तो ट्रेडिशनल ब्रिक्स उससे सस्ती है या महंगी है? नहीं, ये डिपेंड्स ऑन व्हिच मटेरियल इट इज। जैसे कि अभी शिरके साहब के जो मटेरियल है, सो दे आर अ प्री फैब्रिकेटेड कॉलम्स बीम्स और वो सब मटेरियल्स है, वो है। दूसरा प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे परदेश में वो है कि जहाँ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में फाउंडेशन तक आरसीसी मटेरियल होता है और उसके ऊपर लोखंड का फ्रेमवर्क आता है और डेकशीट लगा के कंक्रीट की स्लैब वो भरते हैं। इफ रिक्वायर्ड आपके जो लोखंड के मेंबर्स है, जैसे हम मुंबई में नजदीक है, तो वो एनकेसिंग करते हैं कॉन्क्रीट में, और दीवार के बदले वहाँ अलग अलग बोर्ड आते हैं जो इंसुलेटेड मटेरियल के बोर्ड्स है। अगर हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी का थ्रेट है, इस वजह से हम कहीं भी दीवार में खिला ठोकते हैं, ये ठोकते हैं, इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट है जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का, वो रेजिडेंशियल में अभी तक नहीं आ गया है, मगर कमर्शियल में, मॉल में वो कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है। जो फैक्ट्री में उस टाइप के जो लोखंड के सब बीम्स कॉलम्स और जो पर्लिन्स है वो रेडी बनते हैं और फटाफट वो काम होता है। हमने ये वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोरेजेस, ये प्रीफैब और प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के हमने बहुत बनाए हैं, तो इसमें वो बहुत काम में आ गए। थोड़ा रियल इस्टेट में अभी तक उतना काम में वो नहीं आ गए, लोग डरते हैं थोड़ा वो चेक करने को, और समझो कल मैं भी ईंट के बदले वो ब्लॉक इस्तेमाल करूं, तो उसके ऊपर लोग कमेंट करेंगे कि मैंने पैसा बचाने के लिए शायद वो पार्टीशन के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए, तो लोगों का भी एक्सेप्टेंस लेवल है वो अभी तक आना चाहिए। अभी बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जो सेल्फ रीडेवलपमेंट में बैंक अपने को फंडिंग करती है, वो 95% फंडिंग करती है, तो अपने को खाली 5% अपना इनिशियल खर्चा जो है वो अपने को दे देने का है। और जैसे मैंने बोला कि अप टू 40% तो अपने इंटरनली माल बिक जाता है, फ्लैट बिक जाता है, तो अपने में पैसा तैयार होता है, तो अप्रूवल के लिए जितना इनिशियल पैसा लगता है, जैसे हम 0 FSI का अप्रूवल लेंगे या 1 FSI का अप्रूवल लेंगे, तभी अपने को कॉर्पोरेशन को कम पैसा भरना पड़ता है, तो दैट इज वेरी फिजिबल के सेल्फ रीडेवलपमेंट में बैंक से जाए ऐसे। इसीलिए सोसाइटी को बहुत सारा फंडिंग उठाने की जरूरत नहीं है, इनिशियल जितना फंडिंग लगता है, 5% इज नॉट अ बिग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दी टोटल फंडिंग, तो ये हो सकता है। और दूसरा एक पॉइंट था कि बल्क परचेस करेंगे तो अपने को सस्ता गिरेगा, सही बात है, कोई भी चीज हम बल्क में
खरीदते हैं तो अपने को बचत होती है, खाली वो बल्क जब ही करते हैं तो उतना आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए कि मेरे 1,00,000 फुट का माल है तो 1,00,000 फुट के फ्लोर टाइल्स मैं खरीद ही करूँ एक जगह, तो मुझे वो शिफ्टिंग का खर्चा मुझे भी पड़ता है कि एक जगह उसको गोडाउन लगेगा, मैं उसमें माल रखूंगा और एवरी टाइम आई हैव टू शिफ्ट, तो 1,00,000 फुट का जो मटेरियल कॉस्ट है तो मुझे उतना जो अमाउंट है दैट आई नीड टू स्पेयर एट माई पॉकेट, इसलिए जितना लगता है उतना लेके ऑर्डर वी कैन प्लेस। और आज भी डीलर लोगों के पास भी तकलीफ है, उनके पास भी कंपटीशन इतनी बढ़ी हुई है तो बहुत सारे आज डीलर्स और कॉन्ट्रैक्टर भी बार्टर सिस्टम में एंटर करते हैं कि समझो मैं आपसे 2 करोड़ का माल ले रहा हूँ तो उसके बदले मैं 2 करोड़ का फ्लैट आपको बार्टर करूँ, इसमें डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होता है, रेट डिस्काउंट किया जाता है क्योंकि डीलर की इन्वेस्टमेंट होती है। अभी डीलर ने भी वो देखना है कि उसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं वो जो फ्लैट वो ले लेगा वो मार्केट में बेचने को, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशन। कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत सारे बार्टर सिस्टम में करते हैं तो बार्टर इज ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल। दूसरी चीज़ पूछा है कि वॉट इज़ दी GST इम्पैक्ट, तो आज के तारीख में 2 स्कीम चलती है कि एक 12% और 5%। समझो डेवलपर 5% GST के स्कीम में जाएंगे तो उनको जो इनपुट क्रेडिट मिलता है वो मिलेगा नहीं, और 12% में जाएंगे तो इनपुट क्रेडिट मिलता है, मगर सब डेवलपर जो है वो 5% की स्कीम में ही पॉपुलर है उसमें ही जा रहे हैं। तो हम कोई भी फ्लैट खरीदेंगे तो जनरली वी हैव टू पे 5% ऑफ GST ऑफ द फ्लैट टू डेवलपर, ऐसे। यस यस मुकुंद जी धन्यवाद। मुकुंद जी मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा, मेरा व्यू रखना चाहूंगा। जैसा दीपक पारिक सर ने बोला है कि रियल एस्टेट में रेट्स कम होंगे, परसेंटेज भी बताया उन्होंने, लेकिन मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट का जो रेडी मटेरियल है, रेडी साइट्स है, रेडी फ्लैट्स हैं जो अभी आज की तारीख में रेडी हैं, वो पहले से GST नोटबंदी या जो भी मंदी की मार चल रही है उससे रेट ऑलरेडी कम है, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो रेडी मटेरियल है उसमें रेट्स कम होंगे। लेकिन हाँ, आने वाले जो नए कंस्ट्रक्शन नई साइट्स होगी ओपन उसमें रेट्स कम होंगे और उसमें ज्यादा रेट्स कम हो सकते हैं रियल फ्लैट्स के। सही बात है सर, जैसे कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने को GST नहीं लगता, और मैंने बोला कि मुंबई में एक एक फ्लैट 3 करोड़ से आगे चालू होता है तो उसमें 5% भी बहुत बड़ी रकम है, तो जो रेडी पोजेशन है वो डेफिनेटली उसमें सुरक्षितता भी है और GST की कटौती भी है, सेविंग भी है, तो रेडी फ्लैट 100% जाएंगे और उसमें भी 2-5% रेट में कम हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जब 3 करोड़ 5 करोड़ डायरेक्टली सामने रख के फ्लैट खरीदता है तो डेवलपर की भी जितनी सिचुएशन है फिनेंशियली, फी इज इन ट्रबल, तो डेफिनेटली वो 5-10% भाव कम करके भी 5 करोड़ वो परचेसर से सामने ऑफ फ्रंट पैसा ले लेगा और आगे जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊंगा, जब भी GST आ गया तभी रियल इस्टेट में लोग पूछते थे कि GST का रेट इतना बड़ा है जिस वजह से इंडस्ट्री डाउन हो रही है, मगर उसका एक फायदा जरूर हो गया। मीन्स जब भी हम बोलते हैं कि मराठी में एक मन है कि वाईटात ना चांगलं काय होतं, व्हाट हैपन समथिंग गुड फ्रॉम दी बैड, कि जितने भी रेडी पोजीशन के फ्लैट जो बन के रेडी सेल पड़े हुए थे और फ्लैट बिकते नहीं थे, ये GST आने के बाद वो रेडी फ्लैट बहुत सारे बिक गए। बहुत सारी जो पेंडिंग इन्वेंट्री थी मुंबई में वो 2 वर्ष में 2017 से 2019 में वो बिक चुकी है, क्योंकि उसमें वो GST नहीं लगता था। अभी जो कि 2 वर्ष में और भी नए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो वो भी उसके कंपटीशन में आ गए, मगर जब भी रियल इस्टेट में GST का रेट ज्यादा था तभी पेंडिंग इन्वेंट्री थी जो लोग डेवलपर के हाथ पत्थर के नीचे अटक चुके थे, क्योंकि तो कोई भी डेवलपर के समझो 10 फ्लैट बिकने पेंडिंग है, समझो रीडेवलपमेंट में भी तो कम से कम 40-50 करोड़ की इन्वेंट्री उसकी ब्लॉक हो गई, तो वो समय GST हाई होने के वजह से वो इन्वेंट्री कम से कम खाली हो चुकी है और उनके पैसे रियलाइज हो गए, तो वही पैसा रोलिंग में आ चुका है। बिल्कुल। कुछ और चैट बॉक्स में कुछ क्वेरीज आई है, क्वेश्चंस आए हैं उनका। यस अभी एक
रेट्स पीएमसी है, सीनियर कंसल्टेंट है, इन्होंने लिखा है हाउ टू मैनेज फंड्स, तो 15% फ्रॉम सोसाइटी मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, 15% फ्रॉम बैंक, 20% फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड 50% फॉर बायर्स. सही बात है ये इन्होंने जो बताई है, क्योंकि जब ये बैंक अपने को 95% लोन देती है, वो पूरा 95% अपने को सेल्फ रीडेवलपमेंट में कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती. जब हम इनिशियल जो अप्रूवल के लिए और बाकी जो पैसा लेने के लिए लोन लेते हैं, उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन चालू होता है और बुकिंग के मार्फत, फ्रॉम बुकिंग द न्यू फ्लैट परचेसर्स गेट इनटू इट, एंड वंस दे परचेस अ फ्लैट, बुक द फ्लैट, रजिस्टर द फ्लैट, सो 30% ऑफ दैट अमाउंट द टोटल फ्लैट यू गेट इट. सो 30% वो फ्लैट का भी अपने को पैसा मिलता है. समझो 2 करोड़ का फ्लैट है तो 60-65 लाख तो रजिस्ट्रेशन को मिलेगा. तो जैसे ही आप प्लिंथ पे आते हो और 25-30% माल बिक जाता है, तो आपका रोलिंग चालू होता है, तभी आपको बैंक से पैसा उठाना उतना जरूरत नहीं है. तो जैसा अपने जो पीएमसी एरएक्स कंसल्टेंट, उन्होंने जो बताया, और यही फंड डेवलपर को भी काम में आएगा, कि डेवलपर भी जो पैसा उठाता है वो मार्केट से पैसा उठा सकता है ओनली आफ्टर रेरा. तो डेफिनेटली ये बैलेंस करना है, थोड़ा माल, 1/3 माल एक थोड़ा सा कम भाव में बेचना है आपने को, तो आपको भी हाथ में थोड़ा पैसा आएगा. ऐसे मुकुंद जी, हरविंदर जी का सवाल है, सेल्फ रीडेवलपमेंट पे जो जीएसटी वो कितना अप्लाई होगा? कैसे नहीं, सेल्फ रीडेवलपमेंट में जो एग्जिस्टिंग फ्लैट है उसको जो जीएसटी है, वो जीएसटी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जैसा 1,000 रुपया जीएसटी लगता है, वैसा ही जो एग्जिस्टिंग मेंबर के फ्लैट को जीएसटी लगेगा, ऐसा जो 13 सितंबर का जो जीआर आ गया है उसमें लिखा हुआ है. मगर उसमें अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर के फ्लैट है, समझो उसका 500 फुट का एग्जिस्टिंग फ्लैट है, उसको 35%, समझो 30-35% फ्री मिल गया इन फॉर्म ऑफ फंजिबल, और एक 10% खरीदता है, तो एग्जिस्टिंग पे 1,000 आएगा, मगर जो फ्री एरिया उसको फंजिबल के अगेंस्ट मिलेगा उसका जीएसटी का किया. और जो ज्यादा खरीदेगा, डेफिनेटली जो एडिशनल एरिया खरीदेगा उसके ऊपर तो मार्केट रेट से जीएसटी जाएगा, मगर जो फ्री एरिया अंडर सेल्फ रीडेवलपमेंट मिलता है उसके ऊपर क्या है, उसकी क्लैरिटी आज नहीं है. बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, क्योंकि इसका क्या होने वाला है अपने को मालूम नहीं है. तो वो जो चीज है थोड़ी सी पेंडिंग है, उसकी क्लैरिटी आनी अभी तक पेंडिंग है. या मुकुंद जी, आपका नंबर और आपका जो फॉर्म है गोड़ बोले मुकादम एसोसिएट, नंबर, मेल आईडी वगैरह आप एड्रेस शेयर कर दें चैट बॉक्स में. सर, हमारी जो फर्म है गोड़ बोले मुकादम एसोसिएट, जिसमें मैं एक पार्टनर हूँ मुकुंद गोड़ बोले, और मेरे जो और दूसरे पार्टनर है जितेंद्र मुकादम, और हम दो पार्टनर है. जितेंद्र मुकादम साहब का जो अभ्यास है वो ज्यादा जो ये सब मुंबई थाना और बाकी के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके जो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है, इनके नियम का उनका अभ्यास बहुत ही ज्यादा है. और बेसिकली ही कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन द डिजाइनिंग पार्ट एंड अप्रूवल पार्ट. तो हमारे दो पार्टनर में ये अच्छी डिविजन है कि मैं सेल्फ रीडेवलपमेंट रीडेवलपमेंट का पीएमसी का काम देखता हूँ, और मुकादम साहब है वो जो डिजाइनिंग अप्रूवल, और बाद में जो एग्जीक्यूशन के लिए हमारी अलग से टीम है, प्रफुल विसारिया करके हमारे और एसोसिएट है, संजू शाह करके हमारे कंसल्टेंट है, टिपणी साहब जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है. सो वी हैव वेरी गुड टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, 25 जन की हमारी इन हाउस टीम है. हमारी जो वेबसाइट है वो www.godbolemukadam.com करके हमारी वेबसाइट है, और मेरा जो ईमेल आईडी है mukund@godbolemukadam.com, और मेरा जो ईमेल आईडी वो मैंने बता दिया, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो नोट कर लीजिए 9322272016. I'll repeat again, 9322272016. You can WhatsApp me your question also. हम सब घर में हैं तो we have some time, तो definitely कुछ social work कर पाएंगे. और MSW अपनी ये जो महासेवा की website है उसके ऊपर भी बहुत सारी information आपको available है. और हमारी भी जो website है जो godbolemukadam.com, उसमें भी redevelopment पे एक पूरा chapter है, जिसमें जितने भी रिलेवेंट जीआर है, सरकारी जीआर है, 79A के अंडर
जी आर है, सेल्फ रिडेवलपमेंट के जी आर है, या हमारे और भी वीडियोस वो उसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं और इसमें आपको बिल्कुल महासेवा न्यूज पे आप देख सकते हैं। मुकुंद जी आपका नंबर और मेल आईडी वगैरह शेयर करें, फेसबुक पे तमाम लोगों को तो मिल चुका है आपने जैसा बताया, लेकिन जो पार्टिसिपेट जुड़े हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी क्वेरी है, आपके चैट बॉक्स में टाइप कर दें ताकि वो लोग संपर्क करें आपसे। यस यस वो मैं कर लेता हूँ। यस हाँ आप भेज दीजिए चैट बॉक्स में ताकि सब लोग शेयर करें नंबर्स वगैरह आपके जो। और आखिरी जाते जाते मेरा सवाल है आपसे मुकुंद जी, इसके बाद में पार्थ सारथी जो हमारे वाइस चेयरमैन है उनको इनवाइट करूंगा एक ऑनलाइन कोर्सेस महासेवा जो कर रही है क्या कितना इम्पोर्टेंस है दोस्तों उसके बारे में बताएंगे। 2-3 मिनट में हम इस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करेंगे। तो आखिरी जाते जाते मुकुंद जी से मेरा सवाल ये है कि जैसा ओवरऑल सीनियरी देख रहे हैं हम कोविड-19 के बाद रियल इस्टेट में दोस्तों, जैसे जीएसटी नोटबंदी और रेरा की वजह से तो सुस्त पड़ा था रियल इस्टेट हाउसिंग सेक्टर, रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में जो हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट में ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि अविश्वास ज्यादा होगा बिल्डर और तमाम जो चीजें होगी उस पे, उस वजह से सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो जो गवर्नमेंट को मदद कर रही है उसमें सेल्फ रीडेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उसमें लोग ज्यादा जाएंगे, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो अपने हाथ में रहता हाउसिंग सोसाइटी को विश्वास रहेगा वहां पे तो वो ज्यादा उसको प्रोत्साहन मिलेगा जिस तरह से फाइनेंशियली सिचुएशन। शर्मा जी आपने एकदम सही बात की है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज डेवलपर जो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट लेके और फंड्स पे बैठे हुए हैं जिनकी जो फिनेंशियल ताकत है वो तो अच्छे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उसमें कोई दो राय है नहीं, मगर जो छोटे प्रोजेक्ट है उनके लिए तो सेल्फ रीडेवलपमेंट बहुत बून करेगा, ये बहुत फायदे की चीज है। छोटे और मीडियम स्केल जो सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेंगे तो आसान है, फंडिंग भी बैंकों से एकदम कंफर्म है, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स जो मुंबई में हैं वो भी टीएमसी का काम कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। और ये बैंक का फंडिंग होने के वजह से सबसे बड़ी आज की तकलीफ है फंडिंग, और ये फंडिंग सेफ्टी होने के कारण सेल्फ रीडेवलपमेंट आज सबसे सक्सेसफुल है। दूसरी चीज ये जो 13 सितंबर का जीआर है उसमें और क्लैरिटी जल्दी से जल्दी आएगी, मैं प्रभु सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनके बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स है, तो विद दिस कॉन्टैक्ट्स एंड अवर टीम वी आर ट्राइंग बेस्ट कि उसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तो और बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स उसमें मिलने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा टोटल प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी बढ़ेगी, उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा, 2 रुपया कम भाव में फ्लैट दिएगा तभी भी अपने को सेलिंग का टेंशन नहीं आएगा और जल्दी से जल्दी सेल्फ रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। और लोगों ने सेल्फ रिडेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा भाव और ध्यान देना चाहिए और उसकी बागडोर भी सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हीं के पास रहेगी, तमाम ऐसे जो हमारे महासेवा को तमाम मुंबई में कंसल्टेंट है आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा आपको बता दूं सेल्फ रिडेवलपमेंट और रिडेवलपमेंट तमाम हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं और इसमें कोर्स ज्वाइन करके आप ऑनलाइन अभी लॉकडाउन में सब समय का सदुपयोग करके आप एज ए कंसल्टेंट एक मार्केट में उतर सकते हैं कोविड-19 के बाद में। तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस क्या है उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा बताने के लिए शॉर्ट में बताएंगे मिस्टर पार्थ सारथी जी, वाइस चेयरमैन है महासेवा के। मिस्टर पार्थ सारथी जी। यस थैंक यू सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। यस सर थैंक यू गोडबोले जी फॉर योर वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सर। या मैं पार्थ सारथी महासेवा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। Continuing with what where Mr. Godbole has left, I think that jo bhi unhone kaha redevelopment, self development and what is going to happen to the real estate sector, ye sab unhone ekdam sahi tarike se explain kiya hai. But as a layman, as a person jo aap bahut sare cheez jante ho but bahut sare alag cheez nahi bhi jante ho aur aap cooperative society mein rehte ho aur is cooperative society mein rehte hue you should also know ki what is the difference between normal redevelopment, what is meant by self redevelopment, what are the requirements for self redevelopment, land related kya kya problems aa sakte hain, society related kya kya problems aa sakte hain. So as a person, as a layman, as a normal person in the society, aap logon ko jo education chahiye iske bare mein aur aap logon ko jitni bhi jankari chahiye iske bare mein,
तो महासेवा हमने क्या किया है, नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, इसके पहले भी हमारे काफी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, सर का काफी सेमिनार्स होता था, वो तो हमारे ऑनगोइंग एक्टिविटी था ही, बट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हमने क्या डिसाइड किया है कि एज पीपल आर स्टेइंग एट होम, अनेबल टू मूव आउटसाइड, वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू जॉइन दम एट देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस, सो वी हैव डिजाइंड सम ऑनलाइन कोर्सेस विच शुड बी ईजी एंड मोर ओवर, अभी जैसे हम लोग के पास थोड़ा सा फ्री टाइम अवेलेबल है आज के दिन में, so that we can get equipped, not only as a, jaisa Sharma ji ne bataya ki you can become a consultant moving on, agar aap sab kuch jaan jate ho koi particular subject ke bare mein aur expert ban jate ho, so you can become a consultant in that particular field. Nevertheless, not only looking at that particular aspect, agar koi cheez mein agar aapko khud ke society ko bhi self redevelop karna hai aapko, so you should also be aware of the basic knowledge of what self redevelopment is. So isliye already hamara jo study circle ka जो हमारा मीटिंग्स होते थे, जो हमने इनफैक्ट आपको पता भी होगा कि कंपेंडियम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट करके हमने एक बुक भी अभी तो लास्ट दो महीने पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके ऑथर्स है श्री सुभाष लाला जी और श्री रमेश प्रभु जी. तो वैसे उस वाले बुक में पूरे पूरे आपको मिल जाते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, एवरीथिंग इज कंटेंट इन दैट. बट वो बुक तो एक चीज है जो लोग भी लेके पढ़ सकते हैं, बट टू हैव अ ऑनलाइन हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, एजुकेशन इज नेवर गोइंग टू बी वेस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ इन योर लाइफ. सो हमने क्या किया है, दो तीन सब्जेक्ट्स ऐसे चुने हैं जिसमें हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रहे हैं. ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू कन्वेंस एंड डीम्ड कन्वेंस, जो सबसे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अगर आपको रिडेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट डालना है तो पहले आपको आपके प्रॉपर्टी का कन्वेंस होना चाहिए. Secondly, after that conveyance, the second topic is redevelopment and self-redevelopment. So, ये second topic है हमारे online education and course का. और third topic है audit manual के बारे में. तो ये तीनों जो courses है, हमने ऐसे design किए हैं कि लोग आप घर में बैठ करके maximum इसमें आप जितने भी जानकारी पा सके, जितने भी हम हमारी तरफ से आपको experts आएंगे, सर का ही session रहेगा ज्यादातर इसमें, तो सर आएंगे और तीन तीन घंटे का एक session हमने formulate किया है, जिसमें सिर्फ only by paying ₹500 you can enroll for such online courses and get complete thoroughly educated on all these three different topics. Besides this, iske sivay hamare aapko to malum hi hoga ki har cooperative housing society ko naya jo aaya hua hai jo chapter 154b section jo introduce hua hai hamare MCS act mein, uske hisab se bhi जो भी आपको ट्रेनिंग, आपको नॉलेज, जो आपके अंदर का जो रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को, मेंबर्स को, उनके मैनेजिंग कमिटी को, वो सब के बारे में जो ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कोर्सेस चल रहे थे, जो मैंडेटरी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कोर्स है, पहले वो सेक्शन 24A के अंदर आता था, अभी वो 24A चेंज होकर के अभी नया जो चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए 154B6 के अंदर हम लोग करा रहे हैं. तो वो वाला पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कोर्सेस जो हर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, हर सोसाइटी को कंपल्सरीली हर साल में करना पड़ता है, और एक ऑडिट की तरफ से भी वो रिक्वायरमेंट है, ऑडिट रिक्वायरमेंट भी है कि आपके ऑडिट रिपोर्ट में, नहीं तो वो एक रिमार्क आ जाएगा कि आपने कंप्लीट नहीं किया है. वो वाले भी हमने जो हम लोग ऑफलाइन करते थे, जो सोसाइटी में जाके हम लोग ट्रेनिंग देते थे, वो वाला पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम अंडर सेक्शन 154B6 वो भी हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया है. तो ये दोनों कोर्सेस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सीरीज, जिसमें आपको कन्वेंस, डीम कन्वेंस, रीडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और ऑडिटर मैनुअल, ये तीनों के बारे में बताया जाएगा. और ये 154B के अंदर अंतर्गत आपके सोसाइटी के फंक्शनिंग, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, एक्ट में क्या है, रूल्स में क्या है, बायलॉज क्या बोलता है, ड्यूटीज क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कमेटी को क्या करना चाहिए, कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करना चाहिए, टॉप टू बॉटम एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन नाउ. सो यू प्लीज कम फॉरवर्ड, आप एनरोल कीजिए ये दोनों कोर्सेस के लिए. फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अवर ऑफिस, आपको ऑफिस दिया गया है, ऑफिस के नंबर्स आपके पास है, महासेवा के नंबर्स है, महासेवा के नंबर्स हमारे जो महासेवक्स है वो भी आपको हेल्प करेंगे. तो व्हाट वी अपील इज प्लीज कम फॉरवर्ड, गेट एनरोल्ड, गेट एजुकेटेड एंड गेट इक्विप्ड विद व्हाटएवर नॉलेज यू वांट. थैंक यू वेरी मच सुनील शर्मा जी, थैंक यू एवरीबॉडी. बिल्कुल, नंबर शेयर कर दें चैट बॉक्स में, ताकि जितने पार्टिसिपेंट जुड़े वो इसके बारे में अवेयर हो जाए, जिनको जरूरत है. क्योंकि दोस्तों ये जो कंपलसरी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको सोसाइटी में किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है कंपलसरी, तो वो जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा,
और जो ऑडिट में आपकी मदद करेगा दोस्तों। तो इस तरह से हम ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं और नंबर दिया जा रहा है आपको, नंबर आप यदि फेसबुक पे तमाम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन कोर्स, आप यदि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें अपना नंबर्स वगैरह मेल आईडी भेजें ताकि हम आपसे संपर्क कर सके इस ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए। दोस्तों आखिरी में जाते जाते मैं यही कहूंगा, कल फिर हम लोग ये 28 मार्च से डेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल का मैं सब्जेक्ट बता दूं, कल हमारा सब्जेक्ट है एडवोकेट अजीत अर्जुन चोगले, जो सीनियर एडवोकेट है एडवोकेट अजीत अर्जुन चोगले, वो बताएंगे इंफॉर्मेटिव और अहम जानकारी, सोसाइटी फॉर्मेशन हो या प्रोविजनल मैनेजमेंट कमेटी, हैंडओवर और कन्वेंस, तमाम ऐसे सब्जेक्ट पर वो कल प्रकाश डालेंगे, डिटेल बनाएंगे। कल उनका इस महम इस सब्जेक्ट पर अहम कॉन्फ्रेंस होगा दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े इसमें, सोसाइटी फॉर्मेशन, प्रोविजन मैनेजमेंट कमेटी और हैंडओवर और कन्वेंस किस तरह से होता है ये बताएंगे एडवोकेट अजीत अर्जुन चोगले, एडवोकेट है और महासेवा से पूना में काफी काम कर रहे हैं, मुंबई में काफी काम कर रहे हैं एडवोकेट अर्जुन अजीत अर्जुन चोगले, तो महासेवा से भी जुड़े हुए हैं, सदस्य महासेवा के भी एडवाइजर लीगल एडवोकेट हैं, तो आप कल जुड़ सकते हैं दोस्तों। कल की कॉन्फ्रेंस में COVID-19 को किस तरह से हम फाइट दे रहे हैं, तमाम एनजीओ वगैरह को लोगों को लेके आ रहे हैं, तमाम हर एक फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, वो लोग आपको ऑल इंडिया लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम इस तरह की सब्जेक्ट पर अवेयर करें दोस्तों। आखिरी में मैं जाते जाते यही कहूंगा कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस में आप ज्यादा से ज्यादा हमारे जो वीडियो फेसबुक पे इनसे कनेक्ट करें, ज्यादा अवेयर हो दोस्तों, क्योंकि हम अपने अपने घरों में जब तक ये लॉकडाउन है, और जैसा कि 160 शहर है देश भर के, वो तो रेड जोन में है, और मुंबई और पूना तो है ही सही, और मुंबई पूना से हमारे इस कॉन्फ्रेंस में लोग जुड़ते हैं, और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ आज जितने पार्टिसिपेट जुड़े दोस्तों, खास तौर पर आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले और उनकी पूरी टीम जो जुड़ी हुई है, उनका शुक्रिया अदा, थैंक यू वेरी मच मुकुंद गोडबोले जी। और लास्ट में यही कहूंगा कि ये तूफान है दोस्तों COVID-19 का, आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, कोशिश व्यर्थ है, आप स्वयं को शांत कीजिए, आप स्वयं को शांत कीजिए, मतलब घर में रहिए, आप स्वयं को शांत कीजिए, तूफान खुद चला जाएगा, तूफान खुद चला जाएगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे सेफ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे 11 बजे, आप सभी जुड़े और अपने लोगों को भी जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं इस लॉकडाउन में भी, तो ऐसे 11 बजे लोगों को इनविटेशन भेजे, आप अपने बिहाफ पर भेज सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं दोस्तों, हमारी कैपेसिटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे कॉन्फ्रेंस में जोड़कर अवेयर करना और एजुकेट करना और इस COVID-19 को फाइट देना दोस्तों। धन्यवाद सभी का, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल 11 बजे, थैंक यू।